लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह टूटा हुआ है। माफ करो, माफ करो। ए माई, यह टूटा हुआ है। जा जा। भगवान, तू तो सारे जग का विधाता है। परसों राखी का त्योहार है। हर साल की तरह इस साल भी ये राखी मेरे भैया तक पहुंचा देना। मम्मी, ये राखी क्या होती है? हम बताते हैं बेटा। रोजी डिसोजा भाई साहब, ये राखी देखने में सिर्फ एक धागा है, लेकिन रिश्तों की दीवार में लोहे की जंजीर से ज्यादा मजबूत है। अब देखो, परसों हम यहाँ आएगा और हमारा गायत्री सिस्टर हमारे हाथ पर राखी बांधेगा। लेकिन सिस्टर, ये राखी तुम कहाँ भेज रहा है? बंबई, अपने भाई रमन को। नहीं, मैंने हजार बार मना किया, फिर भी तुम अपने भाई को राखी भेज रही हो। क्या करूं, मेरा एक ही तो भाई है। मगर कैसा भाई, चोर उचक्का धोखेबाज। ये एक शरीफ कस्टम ऑफिसर का घर है, मैं नहीं चाहता कि उसकी परछाई भी इस घर पर पड़े। मत भेजो उसे राखी। मुझे अपनी राखी पर पूरा विश्वास है। देख लेना, एक दिन मेरी ही राखी का धागा मेरे बिगड़े हुए उस भाई को सीधे रास्ते पर ले आएगा। अरे कोई है? लानत है, न पेट में दाना है, न लोटे में पानी है, न बंडल में बीड़ी है, न माचिस में तीली है। अरे ये कौन घुसे मार मार के दरवाजा तोड़ रहा भाई है? अरे वो दरवाजा मजबूत नहीं है, शमशान की जली हुई लकड़ी का है। बेटा प्रसाद, ए बेटा प्रसाद,
क्या है बाबू? बेटा वह दरवाजा खोल ना। तुम ही खोल दो ना। अरे मैंने बीड़ी नहीं पिया, मैं कैसे खोल सकता हूँ? मेरे चक्कर आ रही है। मैंने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया, इतना कमजोर हो गया कि मेरी परछाई को भी चक्कर आ रही है। साला मेरे डायलॉग मेरे को सुना रहा है? बेटा बाप पर ही जाएगा ना। बेटा बाप पे जाएगा तो बाप किधर जाएगा? दरवाजा खोलने। बहन जी, रामन जी हैं? अबे बहन जी होगा तेरा बाप, ये बहन जी नहीं है, भाई जी है। आपकी चिट्ठी। रामन जी, क्या बे? आज त्योहार के दिन कुछ बख्शीश हो जाए जी। बख्शीश? हाँ अभी वसूल करता हूँ। तुम भी यार थूक में भजिया तलने चले आए हो, मेरी हालत देखो, मुझसे बख्शीश मांगना देखो। मुझे तकदीर ही नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें बख्शीश कहाँ से दूं? मेरी गरीबी का तो ये हाल है कि अगर मैं किसी फकीर की अर्थी को कंधा देता हूँ तो वो उसको अपनी इंसल्ट समझता है और अर्थी में से कूद के भाग जाता है। रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही, चावल कैसा होता है, चाय किस काम में आती है, सब भूल गया हूँ। मेरा छोटा बेटा हफ्तों से भूखा निढाल अंदर पड़ा हुआ है, हमें तो लगता है भगवान ने खाली पैदा कर दिया है, तकदीर लिखना ही भूल गया। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। दुख? अरे भाई दुख जब हमारी कहानी सुनता तो खुद दुख को दुख होता, तुम तो फिर भी इंसान हो। मगर हम खुददार लोग हैं, गम खाकर अपना पेट भरते हैं, आंसू से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो, वरना मेरा बेटा आखिरी सांस ले रहा है, चला जाएगा, अर्थी को कांधा तुम्ही को देना पड़ जाएगा। नहीं नहीं रामन भाई, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। चलेगा, सरकारी है मनी ऑर्डर के। तो क्या हुआ? दूसरी जेब देखता हूँ। जल्दी दिखाओ, मेरा बच्चा मर रहा है। एक अठन्नी थी कहीं पर। अठन्नी? गरीबी का इंसल्ट करते हो? अरे अठन्नी अगर चंदे के डब्बे में डालो तो उड़ के बाहर चली जाती है, और ज्यादा निकालो। फटी जेब में सुराख हो गया, लगता वो अठन्नी भी कहीं गिर गई। गिर गई? लानत है, मेरे लिए जहां से कुछ आने वाला होता है वहां सुराख हो जाता है। माफ करना भाई, चलता हूँ। सुना, अपने घर से कुछ खाना लाके दे देते तो। मेरी बीवी मायके गई हुई है। बीवी नहीं मांग रहा हूँ मैं, खाना मांग रहा हूँ। भाई खाना तो वही पकाती है ना। चे, 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 मैं तो खुद होटल पे खा रहा हूँ। तो होटल में लो चलो। होटल वाले का उधार बहुत हो चुका है, शायद आज वो मुझे भी खाना ना दे। क्या मुसीबत है यार। अच्छा सुनो, जा कहाँ रहे हो? एक बीड़ी तो दो कम से कम। एक ही है। चलेगी? अरे माचिस तो वापस छोड़ो। घर में बीवी नहीं है, जेब में बीड़ी नहीं है, माचिस का क्या करोगे? जाओ ऐश करो, भगवान भला करेगा जिसका कोई चांस नहीं है। बहुत फाड़ा नहीं? मुझसे बख्शीश मांगने आया था, मैंने आज तक किसी को बख्शा दिया उसको बख्शीश दूंगा? अरे हाँ बेटा प्रसाद, ये देख मेरे नाम पे चिट्ठी किसकी आ सकती है। अरे इसमें तो राखी है। राखी? अरे हाँ मेरी एक प्यारी बहन है, दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर मुझे राखी भेजना नहीं भूलती। इसके बदले में पैसे भेज देती तो कितना अच्छा होता था। वो छोड़ चिट्ठी फेंक, ये ले, एक काम कर, इसको बाजार में लेके जा, उसको बेचने का कुछ चक्कर चला। ठीक है, 2 रुपए दूंगा। क्या बात करते हो सेठ, महाराजा गवलियर की बहन ने अपने भाई को जो राखी भेजी थी ये वही राखी है? तुम छोटे आदमी ऊंचे माल की कदर जानते ही नहीं। चल 4 रुपए ले ले। 4 रुपए तो इसके दर्शन को लगते है। देखा, मैं 5 से ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, 5 रुपए का सामान दे दे। क्या दूं? 8 डबल रोटी, 2 बंडल बीड़ी, 2 पैकेट बिस्कुट। चल जल्दी कर सेठ। हाँ देता हूँ। आहिस्ता बापू आहिस्ता आहिस्ता, मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और तुम पूरा हड़प कर रहे हो। नजर मत लगा यार, जब से पैदा हूँ जिंदगी में पहली मरतबा आज इतना पेट भर के खाना खाया है। अरे वाह रे बहन वाह, भगवान तेरे को खुश रखे, क्या राखी भेजी थी, खा के पेट भर गया। ए तू ये क्या खा रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। चॉकलेट मेरी जेब से मारा है क्या? है तुम्हारी जेब से? तुम्हारी जेब में कपड़ा नहीं, चॉकलेट कहाँ से आ जाएगी? तो फिर ये कहाँ से आया? वो तो दुकान वाला जब सामान बांध रहा था तब मैंने उड़ा दिया। अरे जियो मेरे लाल, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। चल इसी बात पे आज मैं तेरे को पॉकेट मारने के तरीके सिखाता हूँ। पॉकेट मारना जो है वो बहुत ध्यान का काम है, अपना ध्यान लगा के रखना और दूसरे का ध्यान हटा के रखना है? तो ये समझ, ये नोटों से भरा हुआ पॉकेट है ये मैं जेब में रखता हूँ, तू आके मेरे से टकराना और मस्के की तरह उड़ा लेना। ठीक है, ये मैंने जेब में रखा, चला।
अबे घनचक्कर है, इधर वापिस आ, इधर आ। मार खा गया ना? ये क्या पॉकेट तो मेरी जेब में रह गया। बापू तुम्हारा ध्यान पॉकेट पर था, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ की घड़ी मार ली। बैसाखी, इसके कम से कम 10 रुपए तो जरूर मिल जाएंगे। चलो मार देता हूँ, लंगड़ा तो है साला। अरे 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 अरे, मेरी बैसाखी ले गया, थैली ले गया। अरे मेरी बैसाखी ले गया, पकड़ो कोई है। अरे पकड़ो। मास्टर जी। वाह शाबाश बेटे, क्या विद्यार्थी है मेरे। दिन दहाड़े डाका डालते हैं, अपाहिजों की बैसाखी छीन के भाग जाते हैं। बोल क्यों किया तूने? बोल। तुम? हाँ मैं। क्यों मारो इसे? इसने चोरी की है, एक लंगड़े की बैसाखी चुराई है। तो चुराने दो ना, वो लंगड़ा क्या तुम्हारे रिश्ते में लगता है? वाह वाह वाह, क्या बाप हो। उसको चोरी पे सजा देने के बजाय उसकी तरफदारी कर रहे हो। शायद इसीलिए तुमने इसको स्कूल से निकलवाया था, ताकि ये तुम्हारी तरह चोर, उचक्का और गिरहकट बन सके। हाँ हाँ जी, इसीलिए निकाला है स्कूल से। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्रियां हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। क्या फायदा इसका स्कूल में पढ़ाई हासिल करके? तुम्हारे साथ रह के क्या फायदा है? क्या बनेगा ये चोर उचक्का? वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। मासी जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों के औजारों से। आज तुमने इस बच्चे को तमाचा खाने से बचा लिया, लेकिन कल यही तुम्हारा पाप तुम्हारे मुंह पर ऐसा कस के तमाचा मारेगा जिसकी आवाज से तुम्हारा कलेजा तड़प उठेगा। तुम फूट फूट कर रोओगे, लेकिन उस वक्त अफसोस तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इसको आपके हवाले करने आया हूं? मेरे हवाले? क्यों, क्या ये तुम्हारा बेटा है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं। ये बेचारा तो एक बस स्टॉप पे खड़ा फूट फूट के रो रहा था। लगता है इसके माँ बाप भी अनाथ है, इसलिए मैंने सोचा आपके पास ले आऊं, आप इसे रख लीजिए। मेरा परिवार खुद बहुत बड़ा है भाई। तो एक काम करो, फिर इसको हवालात में रख लो। हवालात में कैसे रख लूं? ना इसने कोई जुर्म किया है ना कोई गुनाह। तो मैं क्या करूं, मैं कहां ले जाके रखूंगा इसको? अरे तो ले जाओ किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दो। ये अनाथ आश्रम सब नाम के होते हैं, असल में ये मुसीबत आश्रम होते हैं। अनाथ आश्रम में जो बेचारे बच्चे पलते हैं वो भूख, प्यास, गरीबी, जुल्म, मार सहते सहते बड़े होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो आदि मुजरिम बन चुके होते हैं। साहब मैं तो कहता हूँ रुपये में 12 आना जो मुजरिम है वो सब अनाथ आश्रम की पैदावार है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, इस बात की जिंदा मिसाल मैं हूँ। मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हुआ और बाहर निकलकर आदि मुजरिम बन गया। बताओ, मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर तुम्हारा कलेजा ही लूटेगा। एक मर्तबा की बात है। अबे चुप, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं, तो अपनी कहानी बीच में घुस रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी इस वर्दी को हटाकर अपने खूबसूरत से दिल से सवाल कीजिए कि ये मासूम, ये छोटा फूल सा मासूम अनाथ आश्रम में पढ़ने के लायक है? क्या हम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में खून इसलिए बहाया था कि भारत के भविष्य का बोझ उठाने वाले छोटे से मासूम कांधे अनाथ आश्रम में पलकर बड़े होंगे? एक काम करो जी, तुम खुद इस बच्चे की परवरिश करो। मैं? हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। बोलो मंजूर है? देश के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाई लो, अभी सिर्फ इतने रख लो, अगले महीने से हर महीने मुझसे तुम 100 रुपए ले जाया करना। हर पहली को पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। मैं अपनी जिंदगी में कमी आने दूंगा, मगर इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं इसे नेक और शरीफ इंसान बनाऊंगा, आज से यही मेरा कर्तव्य है। जाओ। चलो बेटा, भगवान तुम्हें सफल करे।
प्यारे बच्चों, अपने अपने घर जाओ और माँ बाप से कहो कि एक नया लीडर पैदा हो गया है, उसने अपनी एक नई पार्टी बनाई है और उसने अपनी पार्टी का एक झंडा बनाया है और वो झंडा ये डंडे में लटक रहा है और ये झंडा लहरा कर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। अरे ये झंडा कहाँ गया? झंडा यह है बापू। अबे तू झंडा मार के लिया है? तो क्या करता बापू, वो फांदेबाज नेता पब्लिक को झूठ बोल बोलकर अपनी बड़ाई मार रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, साला करता तो कुछ तो है नहीं, इसलिए मैंने झंडा मार दिया। अबे मगर झंडे का क्या करेगा? अपने दोनों का पैजामा बन जाएगा। वैसे आपका पैजामा कितना सड़ा हुआ है, बहुत जाती है। अबे तो सूखता क्यों है? उल्लू का पटा तेरे को मालूम है कितना खतरनाक लीडर है वो? इस शहर के एक आदमी और उसके बच्चे ने मिलकर जनता का जीना मुश्किल कर दिया है, दिन दहाड़े चोरियां करते हैं, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है उन्होंने भरी सभा में डंडे का झंडा गायब कर दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मैंने कितना कहा, मेरी भी कहानी नहीं सुनी उसने। आप उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए वरना हम सब भूख हड़ताल कर देंगे। आप लोग जिस बाप बेटे की बात कर रहे हैं उन्होंने तो आपको सिर्फ एक ही बार लूटा होगा, लेकिन मुझे तो पिछले 6 महीनों से लगातार लूटते आ रहे हैं। वो आदमी अपने बेटे को अनाथ बताकर उसकी परवरिश के लिए मुझसे पैसे लिए जा रहा है। तुम सब लोग चलो, आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चल बाबू चल, आओ यही घर है, चलो चलो भाग ना जाए। अरे अरे अरे, यहाँ तो कोई नहीं, कहाँ गए बापू? क्यों ना हम आपकी बहन के पास चले जाए? तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों जबरदस्ती मौत के मुंह में जाना चाहता है? उधर डर के मारे मेरा बाप है ना, तेरा दद्दू है ना, वो भी नहीं जाता है। क्यों? वो जो मेरा जीजा जी है ना, वो कस्टम ऑफिसर है, बहुत खड़ूस आदमी है। अरे इतने बड़े आदमी के डरते हो? तुम चलते हो, मैं सीधा चले जाऊँ। अरे तू कैसा चला जाएगा, तो मैं यहाँ क्या बैठ के भीख मांगूंगा क्या? आइडिया अच्छा है, लगते भी खानदानी भिखारी। क्या बोला? ए मुंह संभाल के बात कर रहे, तो बहुत मारूंगा। नहीं तो मैं चले जाऊंगा। अरे तू ऐसे कैसे चला जाएगा, क्या तेरे बाप का डर है? मुंह संभाल के बात कर, बहुत मारूंगा। मैं चले जाऊंगा। अबे चुप, क्या मुसीबत है यार, एक औलाद भी साली वो भी बाप के समान है। चलता हूं चल। हे भगवान, मेरे को मेरे जीजा जी प्रताप सिंह के गुस्से से बचाना। प्रताप सिंह, तंग आ गया हूं मैं इस कस्टम ऑफिसर का नाम सुनते सुनते। इतनी मेहनत करके मैं माल लाता हूं और आराम से ना पकड़ लेता है। न जाने उसे कैसे पता चल जाता हमारे बारे में और ठीक डिलीवरी के टाइम पर ही धार मार देता है। इसीलिए आज का माल भी नहीं ला सके, सारा का सारा माल समंदर में फेंक देना पड़ा। तुम सब के सब निकम्मे हो, कुछ दिन हो तुम लोग। अब देखना ये कुल्लू महाराज क्या करता है। कल का दिन प्रताप सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। डैडी डैडी चलो ना घर, मेरे को भूख लगी है। रोजी बेटा तू घर चल, मैं अभी आता हूँ। शंकर तुझे घर ले जा। जी साहब। हाय डिसूजा, क्या हाल है, कैसा चल रहा है धंधा? मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन तुम इतने दिन किधर था? काम में बिजी था यार, तुम तो जानते हो आजकल गुल्लू का यहाँ बड़ा जोर चल रहा है डिसूजा। ओ अरे वो तो ठीक है, मगर
अरे तुम लोग इस तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? जाओ रवि के पिताजी के कपड़े इस्त्री करके लाओ, उनको ड्यूटी पर जाना है। और तू, तूने अब तक नाश्ता तैयार नहीं किया? मालकिन, आप कब तक साहब का नाश्ता तैयार करवाएंगी, साहब के कपड़े इस्त्री करवाएंगी? साहब जी इस दुनिया में अब नहीं रहे। नहीं नहीं मत करो ऐसी बातें। डॉक्टर साहब आप इन लोगों को समझाइए ना, ये लोग। भैया, बुआ, भैया, भैया, ये क्या भाई, ये सब क्या हाल बना रखा है? देखो ना, ये सब पागल लोग क्या क्या कहते हैं, कहते हैं रवि के पिता का देहांत हो गया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। भैया तुम कहो ना, वो वापस आएंगे ना भैया? बोलो भैया, वो वापस आएंगे ना भैया? वो वापस आएंगे ना भैया? डॉक्टर साहब ये बात क्या है? इनके दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए दिमागी तवाजुन खो बैठी है। ऐसी हालत में इनको घर में रखना ठीक नहीं। ऐसे मरीज खुद की जान भी दे सकते हैं, दूसरे का खून भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि यहां से 200 किलोमीटर दूर रायपुर में एक पागल खाना है, वहां इन्हें दाखिल करा दीजिए। देख बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, मैं खुद उसको लेकर आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, चल आ जाओ, चल बे। रैया मेरे खुद के खाने के वांदे हैं, इसको कहां से खिलाऊंगा? एक काम करता हूं, उसको छोड़ देता हूं, कोई नेक इंसान पाली लेगा इसको। मैं मकान तो खरीद रहे हो भाया, पर बाद में कोई लफड़ो तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई लफड़ो नहीं होगा। क्या है कि ये जो मकान है ना, ये मेरी बहन का था, वो बेचारी पागल हो गई है, उसका इलाज कराना है। मेरे पास जितना भी पैसा था ना, मैंने सब उसके इलाज में लगा दिया, अब मेरे पास एक पाई भी नहीं बची है, इसलिए मजबूर होकर मैं ये मकान बेच रहा हूँ। काश मैं अपनी बहन के इलाज के लिए अपने आप को बेच सकता, पर अफसोस मेरे को कोई खरीदेगा नहीं, इसीलिए बेच रहा हूँ। आप जो पैसा देंगे ना, उसकी मैं एक एक पाई जो है अपनी बहन के इलाज में लगा डालूंगा। एक मेहरबानी करेंगे, अब ये मकान में सब कुछ निकाल लेना, मगर मेरे जीजे की तस्वीर कभी मत निकालना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। भगवान करे हर बहन को तेरे जैसो भाई मिले, तू देवता है देवता। ये ले पीसा। ए बापू, कौन है मैं? क्या भूखे भिखारियों की तरह 24 घंटे नोटों में मुंह डाले पड़े रहते हो? तू ये अभी नहीं समझेगा बेटा, ये बात तो उस वक्त समझेगा जब तू बड़ा हो जाएगा। एक बात बता, अबे तू बड़ा क्यों नहीं होता है? आए, तेरी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ है, सबके बेटे बाप से ऊंचे हो गए, मेरा बेटा अभी तक ठीक ना का ठीक नहीं है, बड़ा क्यों नहीं होता तू? बापू मैं बड़ा हो जाऊं? आओ ना। तो लो बापू। मैं बड़ा हो गया? अबे ठहर ठहर, क्या करता है इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहां बापू, ये दुनिया बड़ी फास्ट है, देखते देखते 15 साल गुजर गए। क्या बात करता है। अरे हाँ यार, और हम इस नए घर में आ गए। क्या बापू, ये दुनिया बड़ी गोल है, उसके अंदर लंबा चौड़ा होल है, हम दोनों का बहुत बड़ा रोल है बापू। हो गया? हो गया। तो चल, दुनिया की दौलत अपना इंतजार कर रही है। हमारे पीछे हम आगे आगे
सबकी निगाहों को धोखा देके भागे। कौन है यहाँ जो मेरे सामने आए, किस में है दम जो मुझसे टकराए, कि मैं हूँ बेटा ये है बाप, ध्यान लगा कर सुनिए आप, कि मैं हूँ बेटा ये है बाप, ध्यान लगा कर सुनिए आप, छोटी नहीं है बात ये बात है बिल्कुल खरी, बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी। चाहने वाले को सलाम है हमारा, हर चाहने वाले को सलाम है हमारा, हर चाहने वाले को सलाम है हमारा, महफिल में सबके होठों पे नाम है हमारा, हर चाहने वाले को आप जाए ऐसी झनकार है हम, जमाना हार जाए ऐसे फनकार है हम, हमारी मुर्गियों से लोग थरथराते हैं, कान हम लेते हैं तो शोला, हम शरारा हम तहलका हम तबाही, हम तो ऐसे हम सवा से, तू है कीड़ा तू है लीचड़, तू है कौवा तू कबूतर, तू है बंदर तू छछुंदर, तू है बैगन तू है गोभी, तू है नाई तू है धोबी, सामने आ कर तू जा, सामने आ कर तू जा, कौन है आप कौन है आप, हम तेरे हम तेरे बाप। आखिर कौन थे वो लोग? बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी,
नंबरी। बापू आज तक हमने कितनी चोरियां की हैं? अगर पकड़ गए तो? हमको कौन पकड़ेगा, हम लोग चोरी करके सबूत नहीं छोड़ते। बरसों पहले आपने एक छोटा सा सबूत छोड़ा था। किसकी बात कर रहा तू? आपकी बहन का बेटा रवि। यहाँ कोल्हापुरी दादा कौन है? कोल्हापुरी दादा मैं हूँ, क्या काम है? मेरे को रवि दादा ने भेजा है, बोला शाम तक ये जगह खाली करके तुम कोल्हापुर वापस चले जाओ और तुम्हारे सामान के वास्ते ये पेटी भेजा है। अबे कोल्हापुरी दादा किसके नाम है? अबे ये क्या नाटक लगा रखा है? नाटक नहीं, रवि दादा ने तुम्हारे लिए कोल्हापुर का टिकट भेजा है। सामान बांध कर तैयार रहो, थोड़ी देर बाद टैक्सी आएगी स्टेशन छोड़ने के लिए। वो टैक्सी में मैं नहीं, तू जाएगा तेज तो। यहाँ कोल्हापुरी बुड्ढा कौन है? अबे बुड्ढा तेरा बाप साले, अपन कोल्हापुरी दादा। अरे तू कुछ भी, अपन को क्या करने का, चल गाड़ी में बैठ, ट्रेन का टाइम हो गया। ट्रेन का नहीं, लगता है तेरा टाइम हो गया बाप। अबे ये क्या है? तुम तो टैक्सी में गए नहीं और तुमको भेजने के वास्ते रवि दादा आएगा, और जब कोई बड़ा आदमी आता है ना तो बहुत बूमा बम होती है, म्यूजिक बजती है ऐसे। तू है रवि दादा? है हाँ, ये मेरा इलाका है। चार पांच दिन जेल में आराम करने क्या चला गया, तूने हफ्ता लेना शुरू कर दिया। अब मैं यहां आ गया हूं, अपनी दुकान तो कहीं और लगा। एक आंधी है दादा, सीधे कोल्हापुर का टिकट भेजा, मैंने जाने से इनकार किया तो म्यूजिक लगाकर मार मार कर मेरी ऐसी हालत कर डाली। ऐसा मेरे राज में फर्स्ट टाइम हुआ। दादा ये मेरा आखिरी नजराना 10,000 रुपया,
शोलापुरी, तेरे को क्या हुआ? तू नजराना लेकर नहीं आया? महाराज, मैं शोलापुर जा रहा हूँ, मुझे एक गुंडी ने मारा। क्या भक्ता है, ये गुंडी क्या होता है? जैसे हांडा की हांडी होती है, गुप्ता की गुप्ती होती है, चड्डा की चट्टी होती है, ठीक उसी तरह गुंडा की गुंडी होती है। और उसी गुंडी रोजी ने मुझे मार मार कर मेरा कुछ उम्र निकाल दिया। चुप साला, किसी को गुंडी ने मारा, किसी को म्यूजिक वाला गुंडा ने, मुझे बाहर निकलना दो। उस गुंडे को भी देख लूंगा और उस गुंडी रोजी को भी। अरे रोजी दादा, ये लो आपका हफ्ता। अरे रोजी दादा, ये लो तुम्हारा हफ्ता। अरे ओम रवि दादा, ये लीजिए आपका हफ्ता। क्यों टाक? ये लो मानो। अरे रवि दादा, राम 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 राम। ये लो तुम्हारा हफ्ता। क्या चाहिए? ओ रोजी दादा, माफ करना, गलती हो गई। रख कार्टून। हाँ दादा। अरे उस्ताद, अरे वो नाके पे देखो, तीन गाले की नवी दुकान। चल बापू हफ्ता निकाल। हफ्ता? हाँ हफ्ता। इस लाइन की सारी दुकानों का हफ्ता अपन लोग वसूल करता है। क्या क्या तू नया, तेरे को मालूम है? सीधे तरह से हफ्ता निकाल। ए सर, हफ्ता इसको नहीं, अपन को चाहिए, क्योंकि ये एरिया अपन का है। क्या? चलो शाने, अपनी लाइन क्रॉस मत कर, तेरे हाथों से दुकान तला, चल फट। हफ्ता 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 हफ्ता, पहले आपस में फैसला कर लो, अब तक किसको चाहिए। मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना बता देता। मैं भी तुझ जैसे पर हाथ नहीं उठाती। इसका फैसला तो मौका मिलने पर ही होगा, लेकिन फिलहाल फिलहाल फैसला अपने साथियों पे छोड़ देते हैं। जो जीतेगा वही हफ्ता लेगा। मंजूर? मंजूर। टार्ज़न, जूनियर, घंटा। मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रही है आप? इन दोनों की वजह से ये सब हुआ। गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्या तुम दोनों मियां भी नहीं हो? हाँ साहब, हम दोनों की नई नई शादी हुई है और आज पहली बार घर से बाहर निकले हैं। मतलब वो सड़क पर बीच बाजार में तुम लोगों का झगड़ा नहीं हुआ था? हाँ झगड़ा? अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इन्होंने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी ही बदल डाली। वरना कहाँ मैं, एक अनाथ आश्रम में पली हुई लड़की, वहाँ मैंने बहुत दुख देखे साहब। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बहन, अनाथ आश्रम में पले हुए लोग बड़े बदनसीब होते हैं। मैं भी एक अनाथ आश्रम में पला हूँ, मेरी दर्दनाक कहानी अगर आप सुनोगे। खामोश, भगवान के लिए बंद करो तुम्हारी कहानी, सुन सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगा है। लेकिन सर आपने पूरी कहानी सुनी कहाँ है अभी तक? शुरू शुरू में जरा बोर है, लेकिन आगे जाके बहुत मजा आएगा आपको। एक मर्तबा की बात है। जाओ, मुझे नहीं सुनना, ले जाओ उसे।
और तुम लोग जाओ अपने घर। तू और मेरी बीवी, अरे कभी थोपड़ा देखा आईने में, आईना भी घबरा कर टूट जाएगा ऐसा थोपड़ा देखा। अबे चुप बे, पुलिस स्टेशन सामने है इसलिए खामोश बैठी हूँ, वरना ऐसा फटका मारूंगी कि तू भी टूटे हुए आईने की तरह टूट जाएगा। अबे लानत है तेरे को, अपनी बीवी कौन बनाएगा रे? अगर आज अपन पेपर में शादी का एडवर्टाइजमेंट देगा ना, तो अखा इंडिया का लोग शादी का इंटरव्यू देने के लिए अपन के पास आएगा। क्या साला शाना, अबे जाति के खातिर दादा, सारी। दादा ये तुम्हारी बहन का खत आया। प्यारे भैया, बहुत दिन हुए तुम्हें देखे हुए, इस रविवार को तुम मुझसे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारी अनीता। इस रविवार को मुझे अपनी बहन से मिलने जाना पड़ेगा, तो मेरे लिए सूट का बंदोबस्त कर दे। सूट? हाँ यार। दादा ये तुम्हारी सगी बहन है? ये उस माँ की बेटी है जिसने मुझे ट्रेन में से उठाया था, मुझ जैसे लावारिस को सहारा दिया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी बेटी को दुनिया की हर खुशी दूँ। तुम मेरे रवि भैया को नहीं जानते, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि शायद इस दुनिया में किसी भाई ने अपनी बहन को किया होगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अनीता, तुम्हें प्यार करने वाला भाई तो मिला, मुझे जिंदगी में किसी का प्यार नहीं मिला। मैंने तो अपनी मां तक को नहीं देखा, होश संभालते इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। मेरा अपना कोई नहीं है। क्यों, मैं हूं ना। जब से तुम मिली हो मुझे पहली बार जिंदगी से प्यार हुआ है। जिंदगी से? मुझसे नहीं। जिंदगी का दूसरा नाम प्यार है, प्यार का नाम तुम हो, तुम मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो। भैया ये क्या, भैया इतने दिनों के बाद आए, मैं तुम्हें देखने के लिए कितना तरस जाती हूँ। अनीता कैसी है तू? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? पगली सुन, तेरे बिना मैं अकेला हो जाता हूँ, तो कब तक रहेगी दूर मुझसे? बस ये मेरी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा है, इसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, वो अनिल के बारे में तू जो बात किया करती थी, उसका जिक्र किया करती थी, उससे कब मिलाएगी तू? छोड़ो ना भैया। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। वो जो कॉलेज का 5,000 रुपया भरने गए ना, वो मैं बहुत जल्दी भेजा दूंगा। फिलहाल तू ये 200 रुपया रख, पढ़ लिख पकड़ यार, किताबें खरीद लेना। अरे लेकिन मेरे पास सारी किताबें हैं। जानता हूँ। अच्छा नहीं लेना, ये ले 200 रुपए और रख, अच्छे नए ड्रेस ले, एकदम चकाचक लगे। मेरे कबाड़ सब ड्रेसेस से भरे पड़े हैं। जानता हूँ, एक नया ड्रेस आ गया तो क्या हो गया, ये ले 100 रुपए रख, नए नए जूते भी ले लेना। अरे मेरे पास 6-6 जूते पड़े हैं। अरे भाई जब पैसा देता है तो इनका नहीं करने का, ये ले 100 रुपए और रख, अपने सब बच्चे लोग को चॉकलेट खिला देना। ये स्कूल नहीं कॉलेज है, कुछ भी हो चॉकलेट। देखो मेरे क्लासेस का वक्त हो गया, मैं जाती हूँ, तुम जाना नहीं है इस क्लास के बाद। 20 रुपए वो पियून को दे देना, जाते जाते वो समझ जाएगा। तू खुश रहे। अरे ओए 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 ओए, माफ करो माफ करो, छुट्टा नहीं है। पहचान लिया पहचान लिया, बर्बाद हो गया ना पूरी तरह, जब से तुम लोगों का मनहूस हाथ लगा है। क्या बोला? मतलब मैंने जब से तुम लोगों को देखा है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, खाने तक को कुछ नसीब नहीं हुआ। दे रे खाने को दे, ये ले। अरे नहीं चाहिए ये, मुझे काम चाहिए काम। हम लोग तो फंदेबाजी का काम करते हैं। मालूम है, मैं भी वही करता हूँ। तभी तो तेरे को लूटा हम लोगों ने। ठहर, मैं जरा अपने CKF में देख लूं। CKF क्या? ये चोरों की फाइलें, जैसे पुलिस के पास बेईमानों का रिकॉर्ड होता ना, तो हम लोगों के पास चोरों की फाइलें, उन लोगों को लूटते हम लोग। अच्छा अच्छा, जैसे ये सेठ बोगड़मल, बोगड़मल इसके पास बहुत बड़ी जमीन है, ये इसको बेच के इनकम टैक्स का घपला करके इधर से फूटने के चक्कर में। अच्छा, इसका क्या करेंगे हम लोग? मैं वहां पर नकली जमीन का दलाल बनकर जाऊंगा। देखो ब्रोकर भाई, 50 लाख में सौदा करा दो तो बहुत अच्छा रहे। क्या बोलता नहीं, इतना डड और सुटो जमीन, सिर्फ 50 लाख? अरे चरिया तो के जमीन जा कदर नहीं। देख अगर तेरे पास गाहक हो तो ला, अपना 2% कमीशन ले, नहीं तो जहन में जा। मेरे पास एक सुटो सुटो डाडो सुटो सुटो डाडो डाडो सुटो करोड़पति सेठ है नी। आ गया। अरे वेलकम वेलकम साई। क्या क्या जमीन? अरे सेठ यही तो है राज जमीन। आ जमीन चाहिए? ये दलाल, मैं तेरे को क्या बोला होता, मेरे को बंगला बनाने को जमीन चाहिए, रूमाल बिछाने को नहीं। ये कौन फकीर का जमीन है? फकीर नहीं साई, ये चरिया भी बंबई का बहुत बड़ा सेठ है, सेठ बोगड़मल। बोगड़मल
તમારા માફક તમારા નામ પણ મોટા છે પણ જમીન બહુ છોટા છે સેજી 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 ચાલો સેજી મારે કને યહી જમીન હે લેના હો તો લો એક આધ દિન મે ફેસલા કરો મારે કો જાના હે હાથ નીચે કેમ સરકાર કા ઘબલા કરકે જાતા હે ક્યા નો પ્રોબ્લેમ મે પણ ઘબલા કરતા હે બટ આઈ નો ઓલડી પેન્ટ્રાઝ ઇન લફડા ઇન ઘપડા ફ્રોમ બોગલા ટુ ચોપડા રમણ પડી કે મારે કો અંગ્રેજી નથી આવે હે નટી આવટી મને પણ નટી આવટી પણ હું શું કરું આઈ ટોક વિથ અ ડિફરન્ટ પીપલ વિથ અ ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ વિથ અ ડિફરન્ટ ટાઈમ વિથ અ ડિફરન્ટ ડે વિથ અ ડિફરન્ટ નાઇટ વિથ અ ડિફરન્ટ સીઝન ડિફરન્ટ સંજીવ ડિફરન્ટ મોમેન્ટ બનકર ખલાસ હો ગયા સમજ પડી કે યો મેરે જો ડિમક વાલી કે બાટે ટેરેસા બડ ડિમક કો સમજ કાંડા નહીં આયેંગા એ ડાલાલ સો કરે ચીડો ઉભો રે ને સો કરે ये जमीन मेरे को जमा पर इसके ऊपर कचरा बोट इसको बाहर निकाल साई कल तक सुठो साफ करा देगा नहीं सिडो पर झोपड़ा मल भोगड़ मल रेवा डेने तारा बाप नु सो जाए झोपड़ा होवे के भोगड़ा होवे बराबर जगह नटी ये जमीन का कीमत कितना है 60 लाख डडन चलो मान जो तो परसों हूं आवी ने एनो कब्जो ले लेज पण अभी तुम एक काम करो ये एडवांस कंडर 50,000 रुपया मिठाई खाने को रखो 50,000 मारा पास 25 लाख रुपया हटू पर उसू की तू आधे टाइम ना एक अनाथ आश्रम मिला तो उसका अंदर डांड दे दिया 25 लाख डांड आ डांड तो आप पड़ से ने मैं कौन सेट बोमन जी रमन जी कान जी नान जी पेतन जी पोलन जी नट बोल्ट सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला हमारो नाम छे एड्रेस नटिया मेरा नाम सुनकर तेरे को सेंसेशनल करण मारा कहूं चल ऑल दी वर्स्ट तैने मारी जमीन सोने बा बिकवा दी वो तो बराबर है साई लेकिन इधर कचरा कितना पड़ा है नहीं चलो कल सुबह मजदूर लेकर आते हैं साफ कराने को अरे मेरी जमीन पे झोपड़े कहां से आ गए अरे क्या साई तुम वादा आशा के साथ किया और जमीन इन लोगों को बेच दिया चरिया अरे नहीं भाई ब्रोकर मैंने जमीन किसी को भी नहीं बेची न जाने ये कौन लोग हैं और एक रात में कहां से ये बस्ती बसा के बस गए बड़ी क्या बात करता है नहीं चलो मेरे साथ धर्मा से टेम टेम की बात है अपन जब 10 साल पहले इधर आया था तो कुछ भी नहीं था क्या बोल रहे बाबू कुछ भी नहीं था अरे आप देखो मकान है मकान क्यों झूठ बोल रहा है तू 10 साल पहले यहाँ आया था अबे कल रात तक तू यहाँ कुछ भी नहीं था क्या बात कर रहे लाल सेठ आप उनको इधर आए हुए 10 साल हो गया यकीन नहीं आता तो राशन कार्ड दिखाए 9 साल पुराना है अबे झूठ बोलता है मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है मैं अभी पुलिस में जाकर तेरा कंप्लेंट लिखा के आता हूँ ऐसा नहीं करना नहीं गड़बड़ हो जाएंगी अगर तुम पुलिस में गया नहीं तो समझो कि ये जमीन तुम्हारे हाथ से गई मैं क्या करूं मारू को तो चक्कर आवे है साईं वो डंडो सुठो पारसी सेठ तुम्हारा 50 लाख का जमीन का 60 लाख रुपए देता है नहीं तुम्हें कितना जास्ती प्रॉफिट होता है नहीं 10 लाख हाँ साईं हिक को कम कर उस 10 लाख में से 5-6 लाख रुपया इनको दे दो नहीं और जमीन वापस कब्जे में ले लो नहीं अरे पीछा छोड़ाओ नहीं अरे कल आके वो पारसी सेठ तुमसे तुम्हारा जमीन ले लेगा नहीं अरे तुम समझना कि तुम्हारा जमीन 60 लाख रुपए में नहीं तो 55 लाख में बिका नहीं बात तो तुम ठीक बोलो हो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ तुम उनसे बात करके उन्हें चलता कर दो सुठो अब इसमें 5.5 लाख रुपए हैं अरे चरिया तुम चिंता नहीं करना नहीं कल सुबह आके वो डांटो सुठो पारसी सेठ से 7 लाख रुपए ले लेना नहीं अब जाओ नहीं मैं जमीन खाली कराता हूँ नहीं अरे जाओ क्या करा नहीं अरे सुठो क्यों प्रसाद बाबू सब काम ठीक ठाक किया ना अरे बहुत बढ़िया ये रहा तुम लोगों का हिस्सा पूरे 10,000 रुपए अगर कोई काम होगा तो बताऊंगा जी जाओ ऐश करो और ये जमीन खाली करा दो यस सर पारसी सेठ अभी 60 लाख रुपए लेके आता ही होगा कितना फ्रॉड बाप है मेरा ये यहाँ पर आराम से लेटा हुआ है और वहाँ पर भोगड़ माल इनके 60 लाख का इंतजार कर रहा है वहाँ इंतजार नहीं कर रहा होगा धूप में पक गया होगा और अभी तो फूट फूट के रो रहा होगा कि मेरा 5 लाख रुपए डूब गया मारो 5 लाख रुपए और डूब गया लगता है वो लोग आएंगे नहीं
ये ले चला इश्कर। रवि दादा क्या एक दिन का बोल के गए थे इतने दिन लगा डाले, वो सूट वाला है ना, उसने तुम्हारे नाम की बोमा बोम कर रखी है। क्या करूं जूनियर, बहन ने रोक लिया था लेकिन आज मैं उसे आंख नहीं मिला सका। वो बार बार मेरे काम के बारे में पूछती है और मैं बार बार झूठ बोलता रहता हूं, लेकिन एक ना एक दिन उसे मेरी असलियत के बारे में मालूम पड़ जाएगा, तब क्या बीतेगी उस पर। क्या कर रहे रवि भैया, साला अपनी जिंदगी जैसी है, अगर अपन के माँ बाप होते ना तो कौन ऐसे गंदे धंधे में पड़ता। लेकिन तुम्हारी तो माँ है ना, कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे बचपन की कोई बात याद नहीं। हाँ याद है तो सिर्फ इतना याद है कि मेरी माँ हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। बाय मम्मी। बाय रवि। उसका चेहरा हमेशा मेरे सामने रहता है, अगर मैं उसे लाखों में भी देख लूँ ना तो मैं उसे पहचान लूंगा, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है, किस हाल में है। छोड़ो मुझे, मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ इसे। मुझे रवि के पास जाने दो। हाय घोष। हाय अनिल। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहा है? कुछ नहीं यार, उस औरत का अजीब सा केस है, बरसों से पागल खाने में है मगर उसे आज तक यहाँ कोई देखने नहीं आया। अच्छा। हाँ, माँ क्या होती है, औलाद की ममता कैसे उसे दीवाना बना देती है, कोई एक बार उसे देख ले तो उसकी समझ में आ जाएगा। वो सिर्फ इसी इंतजार में जी रही है कि एक बार उसका बेटा उससे मिलने जरूर आएगा। क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? तू उससे मिलके क्या करेगा यार, तू एक बार मिल तो लेने दे, कौन जाने मेरे बाह ने एक माँ अच्छी हो जाए और इस अनाथ को एक माँ मिल जाए। आगे मत आना, मैं कहती हूँ आगे मत आना, वरना मैं मार दूंगी। मत आना, मैं कहती हूँ मत आना। रुक जाओ वहीं, रुक जाओ, आगे मत आना, आगे मत आना। माँ, तू मेरा बेटा है? हाँ माँ, मैं तेरा बेटा हूँ माँ। फिर तूने मुझे यहाँ क्यों रखा? मुझे मुझे अपने साथ ले चलो, ले चलो मुझे अपने साथ। हाँ माँ, अब तू यहाँ नहीं रहेगी माँ, तू मेरे साथ रहेगी, अपने बेटे के साथ। चल माँ, चल। फिर पूना में माँ का घर मिला? हाँ, मगर माँ का भाई रोमन ने, पुणे में मुझे पता चला कि उस भाई ने परसों पहले ठोके से माँ का मकान भी बेच दिया। सुना है कि अब वो खुद बॉम्बे में एक बहुत बड़े बंगले में रहता है। माँ के असली बेटे को भी उसने न जाने कहाँ खो दिया। अब मैं बॉम्बे जाकर उस आदमी का जीना हराम कर दूंगा। लेकिन अनिल, तुम्हें यह सब करने की जरूरत क्या है? इसलिए कि उस औरत ने मुझे बेटा कहा है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं अनिल, जो इंसान अपनी बहन को धोखा दे सकता है वो तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ए, तू मेरी फिक्र मत कर, बस तू मेरे आने तक माँ का ख्याल रख। मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि हमारे इस देश में जहां लोग अपनी बहन के लिए जान तक दे देते हैं, वहां ऐसा कौन सा भाई है जिसने अपनी ही बहन का घर लूटा है। वो बेईमान हम हैं, बेईमानों के बेईमान। दूसरे बेईमान जो हैं वो सीधे साधे लोगों को लूटते हैं, मगर हम वो बेईमान हैं जो बेईमानों को लूटते हैं। चलो बापू, इन दो बेईमानों की आत्मा हमें बुला रही है। ये साला आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, पुलिस वाले लोग माल उतारने नहीं देते हैं। अपना भी साला यही हाल है, कोई लंबी आसामी फंसी नहीं, समझ में नहीं आता है क्या करें। ए साहब, आपका माचिस है? माचिस? अरे नहीं, जा चल। भड़कता है काय को भड़कता है? अपन को साला भिखारी समझ रखा है क्या? अपन भी साला इसी होटल में रहता है क्या, बाजू वाले कमरे में? भड़कने का नहीं है, चल। सारा थक्का सब सलाम। काय रे, कौन है तुम लोग? इधर काय को बैठे लाए? अपन इस होटल में रहता है। होटल का अंदर काय को रहता है, घर का अंदर काय को नहीं रहता है?
आप उनकी इधर भी रहता हो, तुमसे मतलब? ऐसा तमड़ी नहीं खाने का, सीधा तरफ से बात करने का, समझा? अरे हवलदार साहब, हम लोग दूसरे किसी शहर से आए हैं यहाँ काम के लिए। ये आदमी को किधर देखेला है तुम? नहीं तो क्या किया इसने? पब्लिक को टोपी फिराया, सरकार को टोपी फिराया, करोड़ों अंदर किया है। अच्छा, अभी अक्का शहर का पुलिस इसको तलाश करता है, देखा है कभी? आप एक काम कीजिए, ये फोटो हमें दे दीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। खबर करना। ये क्या है? ए साला, एक नंबर का चोर फ्रॉड। ये तस्वीर देखो। ए साला, अपुन का फोटो तुम लोगों को कहां से मिला? हमें पुलिस ने दी है। नहीं साला, उधर देख। अच्छा तो तुम नकली नोट छापते हो? बेड़ो, कोई साबित कर दे कि मशीन नकली है, अपुन तो अपुन का गलाई काट डालेगा क्या? चाल सोपराज वालकाट नटवर लाल और अपुन ने मिलकर मशीन बनाया है, ऐसा नोट छापती है कि साला असली नोट भी इसके सामने नकली लगता है। छपाई लिखाई अंदर का धागा सब असली की टक्कर का है। अभी पता चल जाएगा कि ये नोट असली है या नकली। मैं इसे अभी बाजार में चला कर देखता हूँ। यू वेट, थोड़ी ही देर में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। फैसला? कैसा फैसला? सारे शहर की पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। अरे मेरे बाप, अपुन को पुलिस के हवाले मत करना। तुम चाहो तो सारा रुपया रख लो, लेकिन अपुन को जाने दो। ये नकली नोट लेकर हम क्या करेंगे? नकली नहीं मकीनो, एकदम असली है। मैंने बैंक से छुट्टा करवा लिया, कोई खोट नहीं। देख प्यारे, तू भी चोर और हम भी चोर, और आपस का खून खराबा अच्छा नहीं होता, इसलिए बेहतर ये होगा ये नोट छापने वाली मशीन तुम हमें दे दो। ठीक है, निकालो लाख रुपया। लाख रुपए? ढाई लाख का तो माल लगाओ इसमें, ऊपर से मेहनत मजदूरी अलग, इससे कम तो मर जाऊंगा नहीं दूंगा। चाहे तुम अपुन को पुलिस के हवाले कर दो, चलो। ठीक है, हमें मंजूर है। बख्शी, माल ले आओ। जरा एक नोट छाप कर दिखा दो। नोट छाप के भी दिखाता हूं, नोट छाप के भी दिखाता हूं। ये सादा कागज है ना, ये सादा कागज है ना, है। नोट छाप के भी दिखाता हूं। ये नोट है ना, देख। ये रहा तुम्हारा एक लाख रुपया। ठीक है दोस्त, आज एक चोर ने चोर को लूट लिया। चल अब मैं तुझे बताता हूं कि नोट कैसे छापते हैं। देख ये सादा कागज है ना। हाँ। है ना। हाँ। देख। हाँ। अब नोट कैसे छापते हैं ये भी देख। अरे सादा कागज है। हेलो, आपुन बोल रहा है नोटों की मशीन वाला? अबे ये मशीन तो नोट नहीं छाप रही है। अरे तभी तो तुम्हें बेची है। क्या भेड़ो, तुम भी चोर अपुन भी चोर, इस वास्ते अपुन झूठ नहीं बोलेगा। आप उनके कमर में जो नोट लटक रहे हैं वो सब साले असली हैं। हाँ, तुमको फंसाने के वास्ते मैंने वहां पर सूखने के लिए लटकाए थे। लेकिन ये काय की मशीन है भाई? गन्ने का रस निकालने की। गन्ने का रस? हाँ, गन्ना डाल के देखो, शायद रस निकल आए। क्या भेड़ो, पुरानी है ना, आप उनने साला इसको 50 रुपए में चोर बाजार से खरीदा था। 50 रुपए? कौन है तुम? तुम मेरी माँ के गुनाहगार हो। माँ? कौन माँ? मेरी माँ यानी तुम्हारी बहन गायत्री। अब पहचाना मुझे कंस मामा? अभी? तुम इतने से थे जब तुम्हें मैंने ट्रेन में छोड़ दिया था, नहीं मतलब तुम खुद ट्रेन में छूट गए थे। इतने बड़े हो गए, लंबे चौड़े भी हो गए, नहीं? हाँ, बड़ा भी हो गया और लंबा चौड़ा भी। और पूना से तुम्हारा एड्रेस लेकर यहाँ आया हूँ ताकि तुमसे अपना पुराना हिसाब वसूल कर सको। हिसाब? कौन सा हिसाब? नाटक मत करो, तुमने धोखे से मेरी माँ का घर बेच खाया है। मैं उसी का हिसाब वसूल करने आया हूँ कंस मामा।
लेकिन वो पैसे तो मैंने अनाथ आश्रम में चंदे में दे दिए हैं। अनाथ आश्रम की चादरें चुरा कर पेच खाने वाला अनाथ आश्रम में 1,00,000 रुपया चंदा देगा? हाँ नहीं नहीं, तुमको किसी ने गलत खबर दी है, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। अगर मैं इस वक्त जाकर पुलिस में तुम्हें दे दूं, तो 2 मिनट के अंदर तुम्हारी खाल के साथ साथ तुम्हारी शराफत भी उतार दी जाएगी। जाऊं? नहीं, वहां क्या जाने की क्या जरूरत है, अपन यहीं बैठ के मंडवाली कर लेते हैं। बैठना बैठना कुछ नहीं, चलो इस घर की कीमत निकालो। ऐसा खड़े खड़े कहां से निकालो, तुम ऐसे टाटा बिरला से भी जाके मांगो तो उनकी जेब में से आटा नहीं निकलने वाला। तुम थोड़ी सी मोहलत दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। मोहलत वोलत कुछ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त देता हूँ। याद रखना कंस मामा। बापू, क्यों छिपकली की कटी दुम की तरह फड़फड़ा रहे हो, मेरे की आगे क्या? बेटा, अगर वो तेरे को कस के एक घूंसा मार देना तो बिना बिजली के ऊषा पंखे की तरह छेरे तक ये खड़ा खड़ा फड़फड़ फड़फड़ फड़ घूमता रहेगा, समझा? बापू, इसको ठीक करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। क्या है? गुल्लू दादा। गुल्लू दादा? अबे ओ रवि के बच्चे, कहाँ छुप के बैठा है? आज सारा शहर गुल्लू दादा की आजादी की खुशी मना रहा है और तू चूहे की तरह डर के छुप गया है। बाहर निकल, निकल बाहर। क्या बे? नीचे आ बच्चे, नीचे आ। सुना तू म्यूजिक लगाकर फाइटिंग करता है? अरे ये डिस्को पिस्को का म्यूजिक तो छोकरियों के डांस करने का होता है, इसलिए आज मैं मर्दों की लड़ाई का बाजा लाया हूं और आज इसी बाजे पे मैं तेरी पिटाई करूंगा। बजाओ। मेरे आदमी की बट्टी क्यों तोड़ी? अरे वाह, आज तो मजा आ गया। अरे गोलू दादा, है? मेरी तरफ से भी 4 लगा देना। दादा। हम लोग तो गुल्लू दादा की तलाश में आए थे, लेकिन ये तो कुत्ते की तरह पिट रहा है। अपना क्या होगा बापू? कुछ नहीं, मुकाबला हो रहा है ना, जो जीतेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो हारेगा उसको अपनी पहचान थी। रवि, ये ले। बस्ती का रास्ता देखा तो जहन्नम का रास्ता दिखा दूंगा। ले जा उस कुत्ते को। क्या आवाज है इंस्पेक्टर? हमें तुम्हारी जीप की तलाशी लेनी है, खबर मिली है कि तुम ड्रग्स सप्लाई करते हो। ड्रग्स? मैं इंस्पेक्टर। हमें तलाशी लेने दो, तलाशी लो।
साहब ये देखिए, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, ले चलो इसे। ये ड्रग का धंधा करता था, उनको मालूम नहीं था वाला। ये ड्रग मैंने रखे थे उसकी जीप में। तूने? मगर क्यों? वो इसलिए कि आज तो तूने उसे अपनी तकदीर से मार लिया, लेकिन कल वो तुझे नहीं छोड़ता, वो आता और तुझे जान से ही मार देता। हाँ तो तेरा क्या जाता? सब कुछ। तू अगर चला जाता तो मेरा कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाता, फिर मैं झगड़ा किसके साथ करती? और अगर तुझे मारना ही है तो ये काम मैं अपने शुभ हाथों से नहीं करूँ। चले आए शानी, पतली गली पकड़ वरना दूंगा रख के। चला। और तेरी रवि दादा क्या पे? सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ वालेकुम, नमस्कार। क्या बात है, क्या मतलब की बात कर? आपसे एक जरूरी काम है। एक गुंडा है ना, हमको सुबह शाम परेशान करता है, उससे जान छुड़ाने का है। तो भाई पुलिस के पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो? दादा तुम हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे, तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। बेटे मैं फालतू काम नहीं करता। नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, तो क्या थोड़ा सा हो जाएगा तो बहुत। अबे हार्ड। दादा अनीता, वो जो तेरे कॉलेज की फीस है ना 5,000 रुपए, मैं बहुत जल्द भिजवा दूंगा। ठीक है भैया। ठीक है, मैं तुम लोगों का काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा? लेकिन एक शर्त है। क्या? इस काम के लिए मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मंजूर है। वो देख वो आ रहा है। कहाँ जा रहा भाया? अंदर कर्जा वसूल करने। तो अंदर नहीं जा सकता? क्यों? मैं बताता हूँ। क्या रवि दादा, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? कोई छोकरी उकरी पड़ गई क्या? अरे नहीं यार, वो भेन की फीस का प्रॉब्लम था ना, वो हट गया, अब एक साल तक कोई टेंशन नहीं। यार तो इस खुशी में हो जाए। नहीं भिड़ू, शराब अच्छी चीज नहीं। एक काम करते हैं, नारंगी और मौसम्बी के रस में थोड़ा सोडा और पानी मिलाकर शराब की तरह पीते और धमाल करते हैं। तो हो जाए टन टन टन। भी कुछ भी दिला, छोटा नहीं तो थोड़ा पानी मिला। नारंगी मौसम भी कुछ भी दिला, छोटा नहीं तो थोड़ा पानी मिला। यूं ही लड़खड़ाए, होश में न आए, होश में न आए, मुझे इतनी पिला। टुन 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 नशा है अमीरी का, उसको नशा है गरीबी का। सारा जमाना शराबी है, पीने में फिर क्या खराबी है। यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, पीने वाले कहाँ
झूमेंगे गाएंगे हम सारे गम भूल जाएंगे हम पिए तुम पियो हम पिए तुम पियो ये पिए वो पिए चलता रहे यूं ही सिलसिला नारंगी मौसम भी कुछ भी दिला छोटा नहीं तो थोड़ा पानी मिला बापू वो अस्पताल में बुरी तरह जख्मी पड़ा है ठीक होने का कोई चांस नहीं है फिर इसका मतलब कि वो अपने जो है अरे ये क्या हो रहा है यार आओ बापू ये क्या हो रहा है आपको ये क्या हो रहा है यार अरे अरे कोई है बाबू किसी को बुला यार अरे कोई है अरे मेरा बापू है रोजी आज तूने एक ऐसे इंसान का खून बहाया है रवि जो एक कमजोर मां को अपना हक दिलाने ले जा रहा था ऐसी मां जो उसकी अपनी भी नहीं थी यह खून तुझे बहुत महंगा पड़ेगा रवि देख रोजी मुझे अपनी बहन के फीस के लिए पैसों की जरूरत थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं और अगर यही बात तेरी बहन को पता चल गई तो कौन बताएगा उसे भैया तू इस वक्त भैया मैंने जिस अनिल का जिक्र किया था तुमसे वो घायल हो गया है क्या हुआ उसे वो इस शहर में किसी बेबस की मदद करने आया था लेकिन किसी जालिम ने उसे बुरी तरह मारकर घायल कर दिया है अब वो बेचारा हॉस्पिटल में है हॉस्पिटल वालों ने मुझे टेलीग्राम भेजा है ये लो ये तस्वीर किसकी अनीता अनिल की जनरल है हाँ आप चुप क्यों हो गया हिम्मत है तो बोल कि अनिल को घायल तूने किया इसकी फीस भरने के लिए तूने अनिल की जान लेने की कोशिश की अपनी बहन के प्यार को घायल करके बहन की फीस भरने जा रहे थे तुमने तो अपनी बहन के प्यार का कर्ज अदा कर दिया लेकिन अब तुम्हें अपनी बहन के प्यार को लुटने से बचाना होगा लेकिन डॉक्टर साहब अनिल की जान तो बच जाएगी ना तुम रुपयों का बंदोबस्त करके नीचे जमा करवा दो हमें शहर के मशहूर डॉक्टर सिन्हा को बुलाकर ऑपरेशन करवाना होगा घबराओ मत वो ठीक हो जाएगा अनिल को ठीक होके आज 3 दिन हो गए हैं तुम उसको मिलने को काकू नहीं जाता है किस मुंह से जाऊंगा पैसे के लिए मैंने इतनी बुरी हरकत की है कि शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा नहीं दादा दिल में एक बार पछतावा आ जावे ना तो सारे पाप अपने आप धुल जाते हैं तुम एक बार उसे मिल तो लो मेरे को यकीन है वो तुमको जरूर माफ करेगा मैंने अपनी बहन की फीस के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की मुझे नहीं मालूम था मैं जिस पर हाथ उठा रहा हूं वो मेरी बहन की बस रवि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मैं तो खुश हूं कि इन जख्मों के बदले मुझे तेरे जैसा दोस्त मिल गया ये सब मिल गए अब तो सिर्फ मुझे अपनी मां का हक हासिल करना है तो उसकी फिक्र मत कर अनिल उन लोगों ने जो कुछ भी लूटा है मैं उनकी हड्डी पसली तोड़कर हासिल करवाऊंगा नहीं रवि अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे जेल हो जाएगी अरे तो हम भी उन्हें अंदर करवा देंगे किस जुर्म में हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है अब हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे उनके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे राम राम पोटिया जी पोटिया जी गोटिया पोटिया साहब कहा देंगे आप हमको कब दुबई भेज रहे हैं थारे सबको भेजेंगे क्या है कि हमारे यहाँ काम लेट हो गया है लेकिन फुल गारंटी के साथ हो गया है अभी दुबई से फोन आएगा और सबको एक साथ ही भेज देंगे हेलो गोटिया पोटिया कंपनी हाँ शेख साहब दुबई से दुबई जी शेख साहब बोले कैफ हालु का अल्हम्दुलिल्लाह अहलन व सहलन व सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु व कबूल बिस्सियार ओहो कुलना हमकुन जमुन
كلن سدياناسن كرونا باريا اديري بدو دبيون نعم اهلا بعد خمسه سلاسي روبتن جبر علي لينشا بينا جراني مانغري نعم نعم اولادنا مقن قتل جهنم رصيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله شيخ صاحب 3000 مانس نو ڈیمانڈ کرےلا چھ تو میں بولا ایم کیم بھیجوانو پورا ٹیسٹنگ کرے گا تو آدمی کو بھیجے گا نہیں تو سالا کمپنی نو نام خراب تھئی جائے بھیجا لوگ انڈیا سے گیا وائر نیچے کر بے میں نے کٹے وائر سے بھی دبئی فون کیا تھا کبھی لوگوں نے دیکھ لیا تھا اپنے کو پیدل مارتے 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 دبئی تک لے جائیں گے گنا نمسکار نمسکار گوٹیا جی پوٹیا جی ابون کون ارے گوٹیا جی پوٹیا جی آپ نے میرے کو پہچانا نہیں ارے میں کلو کا بیٹا للو وہ آپ نے میرے کو 2 سال پہلے دبئی بھیجا تھا جی اب میں 2 سال کے بعد لوٹ کر آیا جی تو گھر جانے کے بجائے شپ سے اتر کر آپ کے درشن کرنے چلا آیا للو کہ بیٹا للو دبئی میں کوئی مال پڑے کمائے کر نہیں تھا ارے کمایا نا سیٹ جاتا ٹائم ہمارے پاس کیا تھا جی کیا تھا ایک پھٹا ہوا بنیان ایک خالی چڈی اور آج دیکھو ہمارے پاس کیا کیا ہے ٹیپ ریکارڈر یہ کپڑے 2 لاکھ کا مال کسٹم میں پھنسے لا ہے اور یہ دیکھو سونے کا جادو میرے کو آج ہی دبئی کا ٹکٹ ہونا ہاں صاحب ہموں کو آج ہی دبئی بھجوا دے صاحب مجھے بھی ایک کام کریں گے تھارے سب لوگوں کو آج رات کو پلین سے بھیج دیں گے ارے نہیں 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 پوٹیا جی ان بیچارے لوگوں کو پلین سے کائے کو بھیجتا جی آج کل دبئی میں ٹریفک جام بہت ہے جی ہوائی جہاز کو زمین پر اترنے کا چانس ہی نہیں ملتا جی ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور کتنا ایکسیڈنٹ ہوتا جی اور کتنا لوگ مارتا جی ارے رے 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 ان کا بھی تو بال بچہ ہوئیں گا ان سب کو پانی کے جہاز سے دبئی بھیج دو جی میں بھی پانی کے جہاز سے آیا جی آپ بولے تو میں چھوڑ دوں گا اچھا اچھا سب کو پانی میں ہی ڈالیں گے نہیں میرا مطلب پانی کا جہاز سے بھیجیں گے تمہیں لوگ ایک کام کرو پہلے 5000 روپیہ ایڈوانس مکو نے گھر جاؤ کل گھاٹ کو اوپر آ تو وہاں سے پانی کا جہاز سے تم لوگ کو دبئی بھیجیں گے برابر ہے کہ نہیں برابر بھایا دیکھو مضبوطی لال ٹائٹے بہت کمزور ہو گیا دبئی میں جا کے بادام پستہ کھا لینا یہ لو اٹھے گا پیسہ آپ کی بہت بہت مہربانی سیٹ جی دبئی 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 ارے اوئے دبئی جائے گا یہ ہلو یہ کیا کر رہا ہے ہاتھ مننے بڑھا رہے ہاتھ ادھر کو گزار رہے آنکھوں کا کمزور ہے کیا اندھا اندھا ارے چھی چھی مننے بولوں اس کو تو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہو مننے تو اس کو دبئی میں بھیج رہے ہو یہ تو سب آپ کی کرپا ہے ارے کچل گیا تو لوس اندھا نہیں گوٹیا پوٹیا آؤ ملاوٹ رام آؤ تھارے کو دبئی کے لیے کوئی پیسہ ویسا چاہیے دی رام ارے نہیں سرکار نہیں یہ دیکھاؤ ہم اپنے کمائی کا ڈھیر سارا روپیہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہم اس سسرن کی طرح کونوں کنگال تھوڑا ہوا ہے پہن لو پہن لو پہن لو جائے سیا رام جائے دبائی جائے سیا رام جائے دبائی جائے دبائی چلو 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 بھائی چلو 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 یا خدا تیرا شکر سالا چور جائے دبائی چلو 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 سب لوگ آرام کرو مستی کرو کل صبح دبئی پہنچ جاؤ گے صبح گھما 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 جلدی کر جلدی کر جلدی واپس 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 چلو چلو بھائی لوگ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ دیکھو آ گیا دبئی آ جا دیکھو دیکھو وہ دیکھو آ جا آگے لا آگے لا آگے لا واہ ارے ارے روکو سلام علیکم دبئی میاں میرے تقدیر کے وطن چلو آفس چلو چلو آگے چلو برسوا جلدی جلدی ارے ارے اندر تم لوگ کہاں چلے آ رہے ہو بولے کیا کام ہے واہ واہ میاں آپ تو ہمارے ملک کی زبان بول رہے ہیں واچمین صاحب تم انڈیا کا ہے اور نہیں تو کیا جاپان کا ہے
अरे मियां, आप दुबई में कब से रहते हैं? दुबई? अरे तुम सभी लोग सुबह सुबह पी कर आए हो क्या? अरे ये मडाई लैंड है बाबा, मडाई लैंड, बंबई का दूसरा किनारा। तुम सभी लोग बंबई में हो। बंबई में? बंबई? हाँ हाँ, बॉम्बे में, हिंदुस्तान में, समझे? समझ गया। वो हराम का पानी में चक्करा दे देखो, बंबई के इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ को बोला, उतरो दुबई आ गया। आ गया, चलो भाल खाओ के ऑफिस में, मार मार के भूस भर देंगे। बहुत कोशिश की, पर दोनों बाप बेटे क्या करते हैं उसका कुछ पता नहीं चला। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, यहां तक कि जिस घर में वो रहते हैं उनके अलावा वहां और कोई नहीं। बस एक नौकरानी है जो आती है और खाना पकाकर चली जाती है, उसे भी इन दोनों के बारे में कुछ खास नहीं मालूम। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ये दोनों बाप बेटे कभी कभी महीनों घर से गायब रहते हैं। एक बात है अनिल, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, जहां भी जाते हैं साथ जाते हैं। अगर उनसे बदला लेना ही है तो उनकी एकता को तोड़ना होगा, उनमें फूट डालकर उन्हें अलग करना होगा। माफ करना साहब। तुम इस तरह आधी रात को कहां जा रही हो? क्या करेंगे मेरी दुख भरी कहानी सुनकर? लोग कहते हैं कि मैं जवान हूं। बिल्कुल सच कहते हैं। खूबसूरत हूं। इसमें क्या शक है? किसी भी नौजवान की तरफ हाथ बढ़ाऊं तो वह सारी दुनिया छोड़कर मेरा हाथ थाम लेगा। मैं भी तैयार हूं। लेकिन मेरे डैडी मेरी शादी एक करोड़पति बुड्ढे के साथ करना चाहते हैं, और बुड्ढों से मुझे सख्त नफरत है। किसी भी बुड्ढे को देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मेरा सपना तो तुम जैसा कोई नौजवान। हाय, कितने हैंडसम हो तुम, कितने जवान, कितने खूबसूरत। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? लेकिन तुम्हारे घर में कोई बुड्ढा तो नहीं है ना? बुड्ढा? मेरा मतलब तुम्हारा बाप। हाँ मेरा बापू? नहीं नहीं, मेरा कोई बापू नहीं है। अरे मेरा बाप तो मेरे पैदा होने से 3-4 साल पहले ही मर गया था। मैं पैदाइशी अनाथ हूँ। ठीक है चलो। चौकीदार है। नहीं नहीं, मेरा बाप है। बाप? तुम चिंता मत करो, वो 15 दिन के लिए हरिद्वार से आए, चले जाएंगे। ए, तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो? जाओ चेंज करो, अच्छे से कपड़े डालो, शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग पे जाना है ना? इसका चांटा भी कितना प्यारा। क्या रे? बावर्ची, बुड्ढा, चौकीदार। बापू, आपने अपने बालों में कालक नहीं लगाई? लगा रहा था, इतने में बुड्ढी आई और बुड्ढा चला के भागी। कहां से पकड़ा रहा है बुड्ढी को? बापू ये बुड्ढी नहीं है, ये बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन सिर्फ ये बुड्ढों से डरती है। फिर तो तेरे से बहुत डरती होगी। नहीं, क्या मतलब है आपका? क्या मैं बुड्ढा हूँ? हाँ तो कौन सी बात है तुम्हें जवानों जैसी? ये लड़की मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई थी। मैं तेरा सर फोड़ डालूंगा। एक तो साला धंधा चल ही रहा, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, ऊपर से तू जवान गुड़न को पकड़ लिया है। मैं इसे प्यार करने लगा हूँ बापू। आईना दिखाऊं? अभी खुद से नफरत करना चालू कर देगा। चलो ना डार्लिंग, क्लियर हो रही है। चलो। ए बापू, आप नहीं हम, क्या क्या, हमें थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना है। व्यात को शॉपिंग कम डालें। अटोए <आ
छुपने की कोशिश मत करो कंस मामा। तुम मेरा खून गुंडों से करवाना चाहते थे ना, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। मैं तुम्हें मार कर ही मरूंगा, मगर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के, डरा डरा के, टॉर्चर करके मारूंगा। ये पूरा घर और इसकी एक एक चीज पर मेरा हक है। मैं अपना हक वसूल करके ही रहूंगा। मैं अब यहां हर रोज आऊंगा और यहां आकर इस घर की एक एक चीज को एक एक करके ले जाऊंगा। और जब यहां की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना कंस मामा, तब मैं तुम्हारी जान ले जाऊंगा। तब तक तुम अपनी मौत का इंतजार करो, अपनी मौत का कंस मामा। अरे भाई, मार मार के सर तोड़ दिया, अब क्या चाहते हो कि मैं उसे जान से मार दूं? अरे बाप, मेरे वो गुंडा मेरे घर फिर आया था, मुझे जान से मारने की धमकी दी उसने। अरे तो उसमें डरने की क्या बात है भाई, यही तो दुनिया का दस्तूर है। जो आता है सो जाता है, जो जीता है सो मरता है यार, यही तो सही है। अजीब गुंडा है यार, मैं इसको अपने दिल की आग दिखा रहा हूँ, ये उस आग से सिगरेट जला रहा है। अरे भाई, मेरा कुछ कर नहीं तो मेरे को जान से मार डालेगा वो। देखो सेठ जी, तुम्हारा सिर्फ एक ही हो सकता है, तुम बॉडीगार्ड रख लो बस। बॉडीगार्ड? हाँ, बॉडीगार्ड। वो जो बड़े बड़े आदमी के पास चार पांच जन रहते हैं ना, उसकी जान बचाने के लिए। अरे तो फिर तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड मेरे को कहाँ मिलेगा, तुम बन जाओ ना। अरे खसक गया क्या, मैं और बॉडीगार्ड? नहीं, ठीक है भाई, चलता हूँ चलता हूँ। तेरी जुल्फ क्या है कि रात के लंबे सांस है। रवि दादा, क्यों तकलीफ हो रही है क्या? बॉडीगार्ड है। ओफो, तुम्हारे इस बुड्ढे के साथ ये भी आएगा? ए, तू घड़ी घड़ी बुड्ढा बुड्ढा किसको बोलती है रे? है? अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो खुद अपनी शादी करने के चक्कर में हूँ। बापू, आपको शर्म नहीं आती बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो? अच्छा, आंख दिखा रहा है? कल तक मेरे सामने गीले कुत्ते की तरह दूध मिलाता था, एक लौंडिया क्या मिल के गीले कुत्ते से सूखा कुत्ता बन गया। देख रहे हो थाली के बैंगन को? देख रहा हूँ सेठ। सुना था बीमार आदमी की आंख में सुअर का बाल होता है, इसकी आंख में तो सारा सुअर है। शट अप यू अनकल्चर्ड बॉय। चलो ना डार्लिंग, ऐसे घटिया लोगों के मुंह नहीं लगते। हाँ कम। ओ सेठ जी, किधर? आदमी का टाइम खराब हो ना तो नमक हराम औलाद भी आंखें फेर लेती है। मेरी हालत में जरा घबराहट की बारिश रही, नहीं तो मैं इसको मार मार के क्या हालत बना दूंगा। तो मालूम मेरे को जाने दो, जाने दो सेठ जी, आप जरा परेशान है, जाकर आराम कर लो प्लीज। अरे उधर नहीं, उधर नहीं, इधर। पानी चला गया क्या? तो दो हाथ मेरे, तो पिए दो हाथ किसके? मेरे। हाय। अरे क्या हुआ भाव? ओ साहब, ओ अरे क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या? अरे कौन, किधर कौन? अरे अरे साहब, वहम है वहम। क्या हुआ? अरे 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 ओ साहब, ओ सेठ जी, कुछ नहीं, यहाँ पर आराम से जाकर अपने बिस्तर पे सो जाइए प्लीज। चलिए प्लीज चलिए, साबुन पोंछ लेना भाव। क्या हुआ, क्या हुआ सर जी? कौन बैठा है सामने? सामने कोई नहीं बैठा सर जी। अरे ये क्या है? अरे क्या बात कर रहा हूँ सर जी, सामने कोई नहीं है। अरे क्या बात करते हो, इधर आदमी बैठा, तू बोलते कोई, ये क्या? किधर? ओ सर जी, क्या? अरे भाई वहाँ कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ ना, वहाँ कुछ नहीं है। तो मेरे काय को देख रहा था? देखो सेठ जी, तुम्हारे को किसी बात का वहम है, तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम सो जाओ। हाँ मैं हूँ ना, आप ही का तो खाता हूँ सेठ जी, आपका बॉडीगार्ड हूँ मैं, आप फिक्र मत करो, आप यहाँ बैठे रहो, मैं बाहर हूँ। हाय। अरे ओ ओ सर जी, सर जी क्या हुआ सर जी? ओ सर जी, ओ सर जी क्या है, है क्या? अरे वहां कुछ नहीं है सर जी, काय को आराम कर रहा है?
अरे आवा बोलो बैठो आराम से, मैं होना सेठ जी बोलता। अरे मैं हूं ना सेठ, बैठो इधर, बैठे रहो इधर, मैं आता हूँ। क्या है डार्लिंग, आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ। ये सब कुछ अभी नहीं चलेगा, शादी के बाद ना डार्लिंग। मैंने कहा था ना ये बुड्ढा बहुत परेशान करता है। सर जी यार, अरे यार क्या बताइए, देखो सर जी क्या हुआ। अरे बापू, क्या हुआ बापू? अबे संभाल अपने बापू को, पता नहीं क्या क्या देखते रहता है। लेके जाओ उधर, लेके जा, एक तो उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। चलो बैठो उधर, मेरा टाइम भी सब खराब किया। बैठो बैठो, गाय को डर रहे हो, मत डरो मैं हूँ। बैठो बैठो, मेरा टाइम भी सब खराब किया, मत डरो। अरे बाबू, अरे क्या क्या तुमने खराब करता है? देखो उसको यार, ये क्या है, ये चला। अबे हट गया क्या, तूने देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। अरे क्या बोल रहा है ये, मैं किताब पढ़ रहा था। अच्छा मैं देखता हूँ, चिंता मत करो। संभालना अपने बापू को यार, तुम बाहर आ इधर, आज तुम बाहर खड़े रहो। हाँ बाहर बाबू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देखता हूँ ये कैसे हिलता है, देखता हूँ मैं। अब तो हिल, अब तो हिल, अब तो हिल तू। क्या है बापू, क्या हुआ, क्या क्या हुआ तेरे बापू को यार? बापू बापू क्या हुआ? ये ऊपर नीचे, आप मेरे साथ आइए, आप प्लीज आइए मेरे साथ, आइए बापू जाओ, चलिए आप जाओ अपने बॉडीगार्ड के साथ, आप आइए मेरे साथ जाओ। चलिए शायद पागल खाने में ले जाना पड़े। जब से बॉडीगार्ड आया मेरे बाप का दिमाग ही खराब हो गया है। आओ बापू आओ, ये देखो चारों तरफ लड़कियों के फोटो ही फोटो है। ओ सेठ जी, उस गुंडे को भूलने का सिर्फ एक ही तरीका है, लड़की को पटाने के बारे में सोचो। हम जैसे नौजवानों को लड़की पटाने के तरीके सिखाओ और आराम से लेट जाओ, मैं बाहर खड़ा हूं। ओके लेट जा, लेट जा, लेट जा सेठ जी। I'm
चल हसीना की नटखट सहेली, चंचल हसीना की नटखट सहेली, कभी अगर मिल जाए तुमको अकेली, अपनी मोहब्बत का इजहार करके, अपनी मोहब्बत का इजहार करके, प्रेम पत्र तुम, प्रेम पत्र तुम उसके हाथ भिजवाना, आओ सिखा दूँ लड़की पटाना, ढूंढ ढूंढ ढोलक बजाना। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। क्या बात कर रहा है सेठ जी, तुम जवान नहीं। क्या बात करता है? अरे नौ जवान हो। ऐसे बोलना, कसम तुम्हारे सर के सेठ जी, तुम अपने बेटे प्रसाद से भी ज्यादा नौजवान लगते हो। अच्छा, मैं प्रसाद का बड़ा भाई दिखता हूँ? और बड़ा भी कितना, एक दो महीने का फर्क, ज्यादा नहीं। और आप जानते नहीं सेठ जी, जिस सड़क से आप गुजरते हो ना, वहाँ पर लड़कियाँ बेहोश हो होकर गिरते रहती हैं। क्या बात करते हो यार, पहले बोलते दो चार बेहोश लड़कियाँ उठा के ले आते। उठा कर लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सितारे ना बहुत चमक रहे सेठ जी, खुद ब खुद आकर तुम्हारी गोद में टपकेंगी लड़कियाँ। अरे ये तो सच में टपक गई। देखा सेठ जी, बोला था ऐसा, जब अपने दोस्त लोग नहीं बोलते कि अपनी जबान में जादू है, इधर बोला उधर हुआ। क्या गुलाब का फूल है, तुम्हारा नाम क्या है? जी जी, हम चलत हैं। हम चलत हैं, ये कौन सी भाषा का नाम है? नाम नहीं है, हम कह रहे थे कि हम चलत हैं। अरे सुनो तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? जी प्रेम प्यारी। है? प्रेम प्यारी। ये क्या चीज है? ये हमार जमूरा है। तंबूरा? तंबूरा नहीं, जमूरा। हम इके साथ रास्ते पर करतब दिखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी अभी हम लंबी लकड़ी से उछल के हवा में कूदने का कमाल दिखा रहे थे, तो जोर से हवा में उड़ गए, सड़क से उछल के सीधे तुम्हारी गोदवा में आके टपक पड़े। तुम ऊपर से गिरी और सीधे मेरे दिल में टड़ करके उतर गई, जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है ना, वैसे तुम मेरे दिल में गिर गई। प्रेम प्यारी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मेरा जन्म जन्म का साथ हो, करोड़ों साल की मोहब्बत हो। जी जी, ये आप कैसी बातें करत हो सेठ? कहा आप इतने बड़े बंगले के मालिक, और कहा हम सड़क पर सर्कस दिखाने वाली एक गरीब छोकरी। प्रेम प्यारी, आज के बाद तुम सड़क पर सर्कस नहीं दिखाओगी, मेरे दिल में दिखाओगी। मैं अपना सीना खोद के अंदर एक सड़क बना डालूंगा, और उस सड़क पे तुम सुबह शाम उछल उछल के सर्कस दिखाती रहना। तुम्हारे दिल में? मगर अंदर अंधेरा होगा ना,
हमका डर लगेगा। अगर तुम कहो तो मैं अपने दिल में बिजली का खंभा लगवाए लेता हूँ, रोशनी हो जाएगी। मगर एक बार कह दो कि तुम मुझसे का मला लाज वाटते, मेरे शर्म आ रही है। कमाल है, शर्माना तो मुझे चाहिए। तुम मुझसे शादी कर लो। हाय तो यह क्यों, मैं कुछ ज्यादा बोल गया क्या? मैं ऐसा है तो फिर अभी टेम्पररी मंगनी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें मर मिटा हूँ जी। हाँ अच्छा, लेकिन हमारी एक शर्त माननी होगी। अरे मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले सुन तो लो। पहले कह तो दो। आपको है ना, इस जमूरे शंकर को है ना, अपना है ना बेटा बनाना पड़ेगा। चेंज का बेटा? हाँ। वैसे चलेगा, फायदे में रहेगा। इतना सा बेटा होगा तो कपड़े भी कम लगेंगे, खाना भी कम खाएगा, नहीं तो काफी खा रहा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज से जमूरा मेरा बाप है, नहीं मेरा बेटा है। अच्छा तो मेरे नए बापू, सबसे पहले मुझे नए कपड़े दिलवा दो। इस साइज के कपड़े तो म्यूजियम में भी नहीं मिलेंगे। एक काम करता हूँ, मैं अपने सूट कटवा के तुम्हारे लिए अर्जेंट सिलवा लेता हूँ। हाय भैया। भैया? हाँ। तो जा अच्छा गो। मेरे लिए ग्लास पानी ले आ। तो मैं? अबे तू है कौन मुझ पर हुक्म चलाने वाला? तुम्हारी नई माँ का बेटा हूँ। नई माँ? ये कहाँ से आई? तुम्हारे और मेरे पिताजी से पूछो। स्मॉल सनी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये सब क्या है? ये टिंगू कौन है? ये औरत कौन है? ये तेरा भाई है और ये तेरी माँ है। मैं जानता हूँ बापू, ये तुम्हारी चाल है। तुम मेरी होने वाली पत्नी को इस घर से निकालने के लिए इन लोगों को इस घर के अंदर लेकर आए हो, लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं रह सकते बापू। जब तू उस लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए इस घर में रख सकता है, तो क्या मैं इसको अपनी बीवी बनाने के लिए इस घर में नहीं रख सकता? क्या आप इस फुटपाथ की औरत को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में रखेंगे? ऑफ कोर्स। मेरी इतनी बड़ी इज्जत करेंगे आप? प्रसाद, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं इस घर में थूकूंगी नहीं। हाँ। तो कौन बोल रहा है थूकने के लिए? बाहर जाके थूको, घर खराब हो जाएगा। सुन लिया तुमने? मैं जा रही हूँ। प्लीज। अरे रुक जाओ डार्लिंग, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर हमने यह मकान छोड़ दिया तो मेरा वह फांदेबाज बाप सब कुछ अकेला हड़प कर जाएगा, या फिर उस भिखारन के हवाले कर देगा। डार्लिंग, मुझे छोड़कर मत जाओ, समझा करो। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने बुड्ढे से खुद निपट लूंगा और दो चार दिन के अंदर उन दोनों के हाथ से चलता करूंगा। डार्लिंग, बापू बाहर निकल। बापू क्या है बे? नाश्ते में कच्चा करेला चबा लिया था क्या? क्यों कुत्ते की तरह चलाता हुआ चला आ रहा है, क्या है? अच्छा, उस फुटपाती का बेटा मिलते ही खुद का बेटा कुत्ता हो गया। कौन बेटा? मैं तुझे नहीं पहचानता। अच्छा, मुझे नहीं पहचानते? उस बेटे को नहीं पहचानते जिसने आपकी ममता के कोख से जन्म लिया है? ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता। जा हवा आने दे। पहले मेरा हिस्सा आने दो, फिर मैं तुम्हें हवा आने दूंगा। किस चीज का हिस्सा? जायदाद वायदाद, मकान वकान, दौलत वौलत, पैसा वैसा, सबका बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। तुझे बंटवारा करना है? अभी और इसी वक्त। ये क्या है? तेरा हिस्सा? छिलका? मैंने अपने आप को सारी जिंदगी छिलके पाए, वो छिलका तुझे दे रहा हूं, सिर्फ गुदा में ले रहा हूं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जायदाद वायदाद, घर वर, पैसा वैसा, इसका बंटवारा ऐसा करेंगे कि सिर्फ घर मेरा, वर तेरा, जायदाद मेरी, वायदाद तेरी, पैसा मेरा वैसा तेरा। अरे जाओ जाओ, ये बेईमानी दुनिया के साथ करना मेरे साथ नहीं चलेगी। मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। बराबर का हिस्सा चाहिए? हाँ। तो एक काम करते हैं, इस हॉल के अंदर वहां से लेकर यहाँ तक लंबी लाइन खींच देते हैं। उस तरफ जो है वो तेरा, इस तरफ जो है वो मेरा है। मंजूर? मंजूर है। अरे गले में कीड़े काट रहे हैं क्या? सिटी क्यों बजा रहा है? अपने मोहल्ले में बजा रहा हूँ। मगर आवाज मेरे मोहल्ले में आ रही है। रोक सकते तो रोक लो। और ये बत्ती बंद कर, मेरी आंख में तकलीफ हो रही है। और मेरी आंख को बड़ा मजा आ रहा है। अबे तू बटन बंद करना। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और ये बटन मेरे मोहल्ले में है। तू भूल गया कि बल्ब मेरे मोहल्ले में? उससे क्या फर्क पड़ता? अच्छा? है अच्छा, अभी बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। बुढ़े, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये पूछने खड़ा हूँ कि तू उस बुढ़े सेठ के बेटे से बहुत चिपक रही ली, बातचीत कम और डार्लिंग कुछ ज्यादा ही कर रही ली। मैं कुछ भी करूं, तू पूछने वाला कौन होता है? मेरा मर्द है क्या? अरे ए, 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 रोजी बात सुन, बात सुन।
ये फोटो यहाँ कैसे? ये मेरे डैडी की तस्वीर है। तू डिसोज़ अंकल की बेटी है? तू मेरे डैडी को जानता है? अरे अरे मैं प्रताप सिंह का बेटा हूँ। क्या? तू प्रताप अंकल का बेटा? अरे नहीं, कहाँ प्रताप अंकल, इतने महान, और कहाँ तू लफंगा टपोरी साला। वही तो मैं भी सोच रहा था, कहाँ डिसोज़ा अंकल और कहाँ तू गंदी मुंह पर चिड़ी चिड़ी। अगर पहले मालूम होता था कि तू डिसोज़ा अंकल की बेटी है ना तो क्या कर लेता? तो मैं तेरा मुंह बंद कर देता। हमने की है आज हम इकरार करते हैं। शरारत हमने की है, शरारत हमने की है।
प्रशांत तू इसको यहाँ क्यों लग रहा है? इसलिए कि आपने हड़ आपने इसलिए कि तुमने मेरे साथ इसका भी हक छीना है। हम अपना हक वसूल करने आए हैं। तो इसलिए तू दुश्मन को भाई बना रहा है? तुम जैसे रावण से लड़ने के लिए राम और भरत का मिलाप होना बहुत जरूरी था। अब देखना हम दोनों का मिलाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। चलो मेरे भैया। ये बोलता है मेरा सर्वनाश हो जाएगा? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तुम बेईमानी के दुनिया के जगत गुरु हो, ये तुम्हारा लौंडा है, चेला है तुम्हारा, और हर गुरु अपने चेले को एक गुण नहीं सिखाता। खोदो अपने दिमाग के खान में से और वो गुण को निकालो और ऐसी चाल चलो कि वो चारों कोना चित जमीन चाटता नजर आए। प्रसाद, तुझे अपने बाप की जायदाद हासिल करने के लिए टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेरा बाप जो है ना, वो एक बंद घी का डब्बा है। लोहे की उंगली से उस घी के डब्बे को खोल दे और उसके अंदर से अपने हिस्से का माल बाहर निकाल ले। हाँ प्रसाद, तुझे कोई जबरदस्त तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। बेटा प्रसाद, मैं भी तेरा बाप हूं, तेरी दस्तखत मैंने सीख लिए हैं, अब समझ ले के गए तेरे सारे बैंक के पैसे। बापू, ये बनी तेरे लॉकर की चाबी, गया तेरा सोना। कहीं वो मेरा 420 बाप ना आ जाए। देखा डार्लिंग, सोना ही सोना। डार्लिंग, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि बुढ़े बेवकूफ होते हैं। मेरे बुढ़े बाप ने बड़ी चलाकी के साथ मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपया कैश निकाल लिया था, लेकिन मेरा बुढ़ा बाप शायद यह भूल गया था कि चलाकी के अंदर मैं अपने बाप का भी बाप हूं। मैंने उनके लॉकर से 50 लाख रुपए का सोना निकाल लिया। ज्यादा मुंह खोल के मत हंस, मेरी चाल सुनेगा तो जबड़े में जबड़ा अटक जाएगा और मुंह हमेशा के लिए खुला रह जाएगा। मैं कम से कम 10 लाख के असली नोट तो निकाल कर लाया हूं, मगर तू जिसको सोना समझ के लाया है वो ग्लूकोज के बिस्कुट पे सोने का पानी चढ़ा हुआ, साथ में चॉकलेट भी है। क्या? अरे वाह भैया, तुम मेरे लिए इतना बिस्किट लाया। भाग यहां से। अरे भाग। देखा बेटा, इसको कहते हैं गुरु वाली चाल। हाथी अगर बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है, है ना? कंस मामा भी बड़ा नम्री आदमी है, उसने असली सोना तो सवेरे ही बैंक के लॉकर से निकाल लिया था। लेकिन प्रसाद भी अपने बाप को नहीं छोड़ने वाला, वो अपने बाप का ऑफिस बेचने का प्लान बना रहा है। रवि दादा। सेठ जी, सेठ जी। रवि दादा। कल्टी, कल्टी। क्या हुआ? मुझे नींद आ रही। तो जाकर सो जाओ ना। सोने को तो आया। अरे सेठ जी, मैं नहीं सोऊंगा। मैं वो कमरे में नहीं सोऊंगा, फिर कभी वो आ गया तो मेरे चक्कर आ जाएगी। नहीं बाबा नहीं। अरे सेठ जी, कुछ नहीं होता सेठ जी, चलिए आप उठिए। नहीं 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 नहीं, मैं इधर ही सोऊंगा, मैं मेरा कोट रख दूं फिर आराम से सो जाता हूँ। हाय हाय। क्या हुआ? ये तो ये है। या तो कोई नहीं है। अरे है बाबा। अरे बाबा नहीं है। अरे तू है ना? बोला नहीं है। अरे बा, ये तुम्हारे गले में से लड़की की आवाज क्यों आ रही है? क्या बात? फिर बोल। क्या बात कर रहे हो? फिर बोल। अरे क्या बात कर रहे हो यार? बस, बस, बस। मुझे तुम्हारे अंदर से लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। अच्छा, और कबाड़ में वही खड़ा है। कौन? वही वो मैं। जी मैं भी जो अभी। चलो दिखाओ। मेरा डर लगता, तुम देखो दरवाजा खोलो, ये देखो कपड़ा यहाँ था ना वो। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ज्यादा पका मत सेठ जी। अरे अरे बाप, देखो सेठ जी, जाके सीधे तरह सो जाओ यार। मैं क्यों? मैं मेरे कमरे में नहीं जाऊंगा। तो जाओ अपने ऑफिस में जाके सो जाओ। ओके जाओ। ओके गुड बाय। जाओ।
डिंग टैक टैक। गाड़ी रोको, उतरो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें खबर मिली है कि आप डाकुओं को हथियार सप्लाई करते हैं। नहीं नहीं, ये किसी ने ऐसी गलत खबर उड़ाई है। मैं बहुत शरीफ आदमी, मेरे डाकुओं से क्या लेना देना? वो हम सब कुछ नहीं जानते, हमें आपकी कार की तलाशी लेनी है। डिग्गी खोलिए। हाँ ले लो, क्या चोर है क्या? हम बहुत नाम वाला आदमी है मालूम, ये लोगो। ये मेरा नहीं, ये किसी की चाल है। चल पुलिस स्टेशन। अरे मगर, अरे चल अंदर। अरे यार, अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं, अरे मैं कोई चोर स्मगलर नहीं यार, तुम मेरा कान दर बल कर रहे हो। तुम क्या हो, कल सुबह पता चल जाएगा। अरे मगर तुम मेरी बात तो सुनो, तुमको भी सुबह पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। चोर चोर चोर। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ चोर कैसे आ गया? अबे चोर किसको बोलता है? तुमको, तुम अंदर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? अरे इंस्पेक्टर ने और हवलदार ने लाके मेरे को पुलिस स्टेशन में बंद किया है। क्या बात करते हो साहब, ये पुलिस स्टेशन थोड़ा ही है। क्या मतलब? ये फिल्म का स्टूडियो है। स्टूडियो? ये पुलिस स्टेशन का सेट है। सेट? यहाँ फिल्म की शूटिंग होती है। अब आप यहाँ से जाइए, आपके साथ किसी ने मजाक किया है। ये वो हरामखोर प्रसाद की चाल है, कहीं मेरे ऑफिस का कबाड़ा तो नहीं कर दिया। अरे भाई मेरे को भी तो कुछ दे दो। अभी देता हूँ यार, लाता हूँ। ये लो। मेरे ऑफिस को क्या कर दिया? चलो भाई चलो, आगे बढ़ो। अबे जब भिखारी समझा क्या है? लाइन में तो खड़ा है। ढक। ये क्या हो रहा है? पूजा हो रही है, हमारे नए ऑफिस का मुहूर्त है ना। अरे मगर यहाँ दूसरी ऑफिस थी, वो किधर गई? वो तो बिक गई। बिक गई? हाँ, इस ऑफिस का पुराना मालिक था ना, वो बेचारा एक्सीडेंट में मारा गया। अरे क्या बात करते हो यार, उसके बेटे ने हमारे मालिक को ये ऑफिस बेच दिया है। बेच दिया? बड़ा ही नेक लड़का है। अच्छा? हाँ, उसने कहा था इस ऑफिस की हर चीज बदल देना, लेकिन उसके बाप की तस्वीर कभी मत बदलना। वो देखो। अरे भिखारी, तेरी सूरत तो उससे बहुत मिलती है। तेरा बाप भिखारी? दम 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 दम। हाँ? ये क्या चीज है? हाँ, बापू। साला बेईमान, मेरे साथ फांदेबाजी करता है। मेरे साथ। शट अप, बोर मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। हाँ, अगर तब तक आप सलामत रहे तो झूठ मूठ का आपका पांव छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। ए ची 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 ची। तब तक आप ये गंदे पांव धोकर रखिए। हटो बुड्ढे, चलो ना डार्लिंग, क्यों बोर कर रहे हो? बुड्ढा तेरा होने वाला बेटा। ओ सेठ, आप अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जानता हूं शादी करने के लिए कहां जाएगा, मैं जाकर कराता हूं उसकी शादी। बर्बाद कर देना साले को। फिक्र मत करो बापू। अरे पंडित, जल्दी आना। अरे ओ, अरे ओ, झूठम उठम शादी हम। पैर छू ना। पैर? हाँ। आओ छो आशीर्वाद। कुतरम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रसाद। प्रसादम बास्टडम रास्कलम कमीनम कुत्तम। हे पंडित, ये क्या मंत्र पढ़ रहा है? प्रसादम कन्या के गले में वरमालम डालम। कल्टियम। मेरी रोजी, मेरी प्रसाद। कुत्ता। रोजी कहाँ है? पंडित कहाँ है? ये सब क्या हो गया? ये मेरी हालत किसने बनाई? तुम्हारे कमीने बाप के सिवा ऐसी गिरीवी हरकत और कौन कर सकता है? तुम्हारी शादी एक कुतिया से करवा दी और उससे तुम्हें चटवा भी दिया। छी 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 छी। अगर ऐसी बेइज्जती मेरी कोई करता तो मैं उसे जाकर जान से मार देता। नहीं, ये तलवार मुझे दे, मैं मारूंगा उसे। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन दोनों चोरों के खिलाफ आज रात तक सबूत मिल जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, तू पुलिस का बंदोबस्त कर, मैं मां को लेकर आता। चल। अनिल, तू? अनीता, चलो मैं तुम लोगों को लेने आया हूं।
माँ के असली बेटे का पता चला? बस यही तो अफसोस है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। तो तुम उन्हें ये बात बता क्यों नहीं देते कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो? मैंने एक माँ का दिल खुश करने के लिए ये झूठ बोला है कि मैं ही उनका बेटा रवि हूँ। इस झूठ के लिए तो भगवान भी मुझे माफ। बेटा नहीं है मां, मैंने तुझसे ये झूठ किसी लालच में आकर नहीं कहा था। मैं अनाथ हूं मां, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे कभी किसी ने कोई प्यार नहीं दिया, मगर तुझ में मुझे एक मां नजर आई। तेरी आंखों में मुझे ममता की झलक नजर आई मां। मुझे माफ कर दे मां, मुझे माफ कर दे, मुझे कभी छोड़कर मत जाना मां। नहीं बेटे, तू तो महान है, महान से भी बढ़कर है। आज के इस युग में जहां लालच में लोग रिश्ते भूल जाते हैं, तूने तो पैर होकर रिश्ता निभाया है। तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा। माँ, तुझे आज तेरा हक मिल जाएगा। मुझे मेरा बेटा मिल गया है, अब मुझे इस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। आज उन बाप बेटों का खेल खत्म हो जाएगा, हमें सबूत मिल जाएगा और हम उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। माँ को उसका हक मिल जाएगा, लेकिन क्या बात है, लोग आए नहीं अब तक। देख दोस्त, आज मैं उस मां को लेकर आया हूं जिसके हक के लिए तूने मेरी मदद की है। आओ मां, अंदर आ जा। मुझे पहचान मां, मैं तेरा बेटा हूं मां, मैं तेरा खोया हुआ बेटा रवि हूं मां। मां याद है तू तो हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने आया करती थी। डैडी, डैडी कसम ऑफिसर मां। रवि। हां मां, तू मुझे छोड़कर कहां चली गई थी मां? तुझसे बिछड़कर मैं कहां से कहां पहुंच गया मां। अब तू मुझे छोड़कर मत जाना मां, तू छोड़कर मत जाना मां। नहीं बेटे, अब मैं एक पल के लिए भी तुझसे अलग नहीं रहूंगी। मां, तू मेरा बेटा रवि है, परसों की जुदाई के गम में तेरी इस मां के दिल को छलने कर दिया है। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी बेटे, कहीं नहीं जाऊंगी। बस कर मां, बस कर। आज खुशी का दिन है मां, आज आंसू मत बहा। रो मत मां, रो मत। रो लेने दे बेटा, रो लेने दे। इसी दिन के लिए तो ये आंसू बचा के रखे थे, आज भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। उसने मेरा एक बेटा छीना था, आज दो बेटे दे दिए। बस दे चलो। यहां तो नहीं है साली, पर जाएगी कहां हमसे बच के। ये तस्वीर किसके बाप की है दादा? ये तो चमत्कार हो गया। बरसों पहले हमने इस डिसूजा को प्रताप सिंह के साथ हॉरर टनल में मारा था, आज रात हम उसकी बेटी को भी खत्म कर देंगे।
पूरी फैमिली का स्टोरी फिनिश। क्या है कि जब औलाद की नीयत में फर्क आ जाता है ना तो बाप बिस्तर पर लेट के खराटे नहीं लिया करता, जाकर उसका इंतजार किया करता है। ऐसे तुम मुझसे मेरा हक छीनना चाहते थे, जिस दौलत को हमने दुनिया को बेवा को बनाकर बड़ी मक्कारी और चालाकी के साथ जमा किया, उसी दौलत को अकेला खाना चाहते थे। तूने अपने बाप के घर में चोरी की है साला, उसको नकली पुलिस से पकड़वा के नकली पुलिस स्टेशन में बंद करवाया तूने, मुझको मुर्दा साबित करके मेरे ऑफिस को बैठा तूने। तुम्हारी ऑफिस? अरे तुम्हारी काय की ऑफिस? जिस बुड्ढे की वो ऑफिस थी उसे रास्ते से मैंने हटाया था। रास्ते से तूने हटाया था मगर ठिकाने मैंने लगाया था, कोर्ट कचहरी के काम मैंने पूरे किए थे। बेटा अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे जेल भिजवा सकता हूँ। तुम मुझे जेल भिजवा सकते हो तो मैं भी तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, क्योंकि आज तक हमने कम से कम नहीं तो 10,000 जुर्म किए हैं और हर जुर्म के अंदर तुम बराबर के हिस्सेदार हो। शाबाश। रमान और प्रसाद बाबू, आज तुम लोगों ने अपने सारे फांदेबाजी और कहानी अपनी ही जबानी बककर इस टेप रिकॉर्डर में जाम कर दिया। क्या? हाँ, ये सच है कंस मामा। आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया और तुम्हारी 420ियों पर से पर्दा उठ गया है। नहीं बच्चे, गलतफहमी है तुम्हारी। पर्दा मेरी 420 पर से नहीं बल्कि तुम्हारी 420 पर से पर्दा उठा है। ये मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए तुम्हारे जाल में फंस जरूर गया था, मैं नहीं। फंस तो तुम गए हो, थोड़ी देर में यहां पुलिस आ रही होगी तुम्हें सबूत के साथ गिरफ्तार करने। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेगी? तुमने मेरी आखिरी बाजी तो अभी देखी नहीं है, वो देखो। इधर भी देख। भैया। कौन भैया? मैं तुमको नहीं पहचानता। चला अबे, बहन भाई का नाटक बहुत हो गया। टेप रिकॉर्डर लाओ। चल हवा अंदे। माँ माँ, हट बे चिकन है। पुलिस पुलिस भाग। अरे जाते कहो कंस मामा। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लो, इसने इन्हें घायल किया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मुझे घायल नहीं किया, ये निर्दोष है। माँ ये सब तुम क्या कह रही हो? आप चाहिए इंस्पेक्टर साहब। ये अजीब तमाशा है, खाली फुकट में परेशान क्या? चलो हवलदार। जाओ भैया जाओ, तुम आजाद हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक शिकायत है। अगर तुम्हें मेरा घर मेरी दौलत चाहिए थी तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कह देते तो तुम्हारे सर की कसम मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे देती। अरे इस विधवा बहन का तुम्हारे सिवा और है ही कौन? आज भी मुझे ये दौलत ये घर नहीं चाहिए, बस एक उपकार कर दो। मैंने परसों से तुम्हारे हाथ में राखी नहीं बांधी, आज बांध लेने दो, फिर हमेशा के लिए मैं इन बच्चों को लेकर इस शहर से चली जाऊंगी। ना बहन ना, मत बांधिए पवित्र बंधन मेरे हाथों पर, यह हाथ बहुत गंदा है, बहुत कनेकार है यह हाथ। इस हाथ ने जुर्म की इनको काट कर फेंक देना चाहिए, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। अरे तू फिर भी मुझको अपना भाई समझकर इस पर राखी बांधना चाहती है तू? भाई बहन का रिश्ता तो खून का रिश्ता है, इस रिश्ते को भुलाया तो जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। भैया, हर भाई अपने बहन को राखी बांधने पर कुछ न कुछ तोहफा देता है। इस कमबख्त भाई ने सारी जिंदगी अपने बहन को धोखे दिए हैं, ये जलील क्या तोहफा देगा रे तुझको? अब तो एक ही चीज बाकी है, तू मेरी जान मांगने में तोहफे में। मुझे जान नहीं, अपना भाई चाहिए,
और वो भी नेक और शरीफ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद न मैं कोई बुरा काम करूंगा न अपने बेटे को करने दूंगा, तेरी कसम मैं। रवि बेटा मैं तेरा सबसे बड़ा गुनहगार हूं बेटा, एक बार बोलते कि तूने मुझे माफ कर दिया बेटा। क्या तुम्हारी ये माफी मांगने से मेरा बचपन वापस आ सकता है? मेरी मां का प्यार मुझे मिल सकता है? मेरा घर मुझे वापस मिल सकता है? एक बार मुझे माफ कर दे बेटा। हेलो बापू, रोजी और अनीता हमारे कब्जे में है, वहां पर क्या पोजीशन है? ठीक है सब यहां पर। बापू आप रवि को लेकर यहां पर आ जाओ, गुल्लू दादा बोलते हैं कि सबका सवाया एक साथ ही करेंगे। क्या बात है? अनीता और रोजी गुल्लू दादा के कब्जे में है। रवि भैया गुल्लू दादा रोजी के घर में गया था उसे खत्म करने के लिए, और वहां कह रहा था कि उसने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और फादर डिसूजा को हॉरर टनल के अंदर मार डाला था। गुल्लू ही मेरी मां का सुहाग उजाड़ने वाला। तू मां को लेकर अस्पताल जा, हम लोग उसे संभाल लेंगे। अबे ओ हीरो, तेरा बाप अभी तक उसको लेके आया क्यों नहीं? आते ही होंगे विलन भाई साहब। सुनो जी, मैं नाचूं? क्या बोली? मैं नाचूं? अजीब लड़की है, हम इसको जान से मानना चाहते हैं और इसका मन नाचने को कर रहा है। तुम समझे नहीं यार, हर फिल्म के आखिर में जब विलन हीरोइन को उठाकर लेके आता है ऐसे कोई सड़ेले सड्डे में, तो उसे कहता है नाचो छमिया, ऐसी आइडिया दे रही थी। छोकरी ज्यादा टर टर करके मेरा खोपड़ी मत फिरा, चल जाके कोने में बैठ जा, चल। कैसा थर्ड क्लास विलन है, यहाँ हीरोइन खुद नाचने को तैयार है और ये नचाता ही नहीं। चुप होती है कि एक दो, चल। वो लोग आ गए हैं। लड़कियों को छोड़ दो वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। मार दे मुझे, इससे क्या, मुझे तो सिर्फ तेरी जान चाहिए। चुप रह, ये मेरा बाप है, मुझे मेरा बाप चाहिए, ठोकरे नहीं चाहिए। बंदूक फेंक खोचू। जा, तेरे लिए ये भी कर दिया, जाने दो लड़कियों को। आज तुमने इस बच्चे को तमाचा खाने से बचा लिया, लेकिन कल तुम्हारा यही बाप तुम्हारे मुंह पर ऐसा कस के तमाचा मारेगा जिसकी आवाज से तुम्हारा कलेजा तड़प उठेगा। और मारा, और मारा, या नहीं बीच चौराहे पे चलकर ताकि सारा शहर तमाशा देखे, एक एक आदमी सबक ले कि पैसे के लालच में आकर कोई बाप अपने बेटे को गलत रास्ता ना दिखाए, बेईमानी का रास्ता ना दिखाए। मार बेटा। खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, ये सब के सब मिले हुए खत्म कर इनको। साले मेरे बापू को मारता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामजादा कुत्ते मेरे बापू को मारता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारी नहीं भाई, मारी से डर लगा।
कैसा? इतनी ताकत दौड़ के याद किसके यार? आपके? मेरे हाथ में देख रहा है हाँ? मैं खाऊं का चलाट डरता नहीं तू तेरी तो नहीं बाबू क्यों ये बेचारा विलन है इसे बाद में कुत्ते की तरह मारेंगे तू बाद में तेरे को मारेंगे हा? ताकत की क्या बात करता है ताकत तो मेरे बाप में ने तेरे दद्दू में थी एक मरतब उन्होंने शर्त लगाई इतना बड़ा नारियल यहां रखा यूं किया और टक से तोड़ दिया क्या नारियल नहीं हाथ वाह वाह अरे बाप रे ये तो काले पहाड़ हैं एक फटका मारेंगे तो मैं छेंच का हो बन जाऊंगा अब क्या करूं ये पेटी में छुप जाता हूं अरे यार कैसा लगा बेकार खींचते साले की बात उखाने से दूसरा भी आते कितनी गर्मी है नहीं चलता हूं छोटे के ये तो कुछ चेंज क्यों हो गया यार जमुरे फिर आ गया तो ठहर फिनिश हाँ
निशाना मुझे। मैं इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का बेटा हूं जिसे तूने बेरहमी से हॉरर टनल में मारा था। कितनी बुरी तरह से फटा है, सब अथड़ियां बाहर आ गई यार। बापू अब क्या करें? पुलिस तो आई नहीं, काम करते ना, अपन खुद ही चलते हैं पुलिस के पास। बापू तुमको ठीक से याद है कि तुम्हारे बाप यानी कि मेरे दद्दू इसी जेल में बंद थे? पिछली बार तो थे, लेकिन अभी होंगे या भाग गए होंगे या भागने के चक्कर होंगे वो मालूम नहीं कुछ। बापू मेरे दद्दू का नाम क्या था, मैं भूल गया। तेरे को तेरे दादा का नाम याद नहीं है? दयाशंकर। दयाशंकर? हम मानते हैं दयाशंकर कि जमीन आपकी है, सरकार की नहीं। तो सरकार ने मेरी बात मान ली है तो उस जमीन की कीमत अदा कर दीजिए। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या अपन नेक बन के बाहर निकलेंगे? दद्दू तुमने आज तक फ्रॉड करके दुनिया को क्या क्या बेचा है? ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला। अभी थोड़ी देर पहले जेलर को मैं ये जेल बेच के जा रहा हूँ। हाँ? बापू ये तो तुम्हारे भी बाप निकले। निकलेगा क्या मतलब, वो है मेरे बाप। ओ, हाँ। बाप निकले बोलता है। ये कोई जेल है? छे 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 छे, अनाथ आश्रम से भी बदतर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया तुम। अगर मेरे अनाथ आश्रम की कहानी तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। अबे चुप, जब तक अपनी कहानी सुनाता रहता है। अरे भाई साहब, आपने पिछली बार मेरी कहानी कहाँ सुनी थी? आज सुन लो ना, कोई नहीं सुनता। एक शॉर्टकट बताऊं, तुम मर के ना यमराज को कहानी सुना देना। यम? दद्दू? बंद कर दे भाई। आप तो जेल बैठ के जा रहे थे। अरे सब इन लोगों का प्लान था, मुझे सबूत के साथ पकड़ना चाहते थे। मुझे पहले खुद बाहर जाने दिया और फिर तमाम नकली कागजात के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दुनिया के अंदर इंसान कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, जुर्म करके कभी बच नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसीलिए अंग्रेजी में कहावत मशहूर है ना, क्राइम नेवर पेज। जुर्म करके आदमी कभी भी सुखी रह नहीं सकता, कानून से बच नहीं सकता। हाँ बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, बेटा दस नंबरी तो दद्दू सौ नंबरी। बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी, बेटा दस नंबरी तो दद्दू सौ।